जॉर्डन ने कभी उसको पैलेस्टाइन नहीं बोला है वो हमेशा बोलता था ये ट्रांस जॉर्डन है ये जॉर्डन का पार्ट है 90% ऑफ द स्लेव ट्रेड वाज़ ब्लैक पीपल ऑन ब्लैक पीपल ब्लैक पीपल ऑन ब्लैक पीपल। यूरोपियन ओनली अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ द स्लेव ट्रेड बॉस गाजा

नमस्ते जय हिंद मेरा नाम है जय और यह है वरा मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की आप सभी ने हमसे कई बार ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अभिजीत अय्यर मित्रा जी को अपने पॉडकास्ट पे बुलाइए वेल अभिजीत इज माय फेवरेट टू इनफैक्ट ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन टू मी और आज के एपिसोड में अभिजीत इज हियर ऑन द पॉडकास्ट आई एम श्योर जितने लोग इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उसमें से 90 परसेंट लोग अभिजीत से ऑलरेडी फमिलियर है बट फॉर दोस्त जो अभिजीत को नहीं जानते वेल अभिजीत अयर द मोस्ट फनीस्ट आउट दयर एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल गाय एज वेल उनका प्राइमरी रिसर्च एरिया है वॉर्स एंड न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वी ऑल नो अभिजीत कैन टॉक अबाउट हिस्ट्री डेमोक्रेसीज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन

अभिजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे फर्स्टली आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्योंकि आप जब भी जूम कॉल्स पे जो करते हो वहाँ पे नीचे आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम होता है आज मैं आपको किस नाम से पुकारू आज आप पहले तो नमस्ते, नमस्ते। और बहुत धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए और आप मेरे को कोई भी नाम से बुला सकते हैं देखिए मैं जेंडर फ्लूड है और मैं नाम फ्लूड भी हैं है। समझता हूँ कि नाम जो होता है वो एक पर्सन के मूड को कैप्टिवेट करना चाहिए और मैं जिस मूड पे हूँ उसी नाम से चलता हूँ आज क्या मूड है आपका आज थोड़ा अपबीट मूड है तो आज आप मेरे को एंड आई एम फीलिंग वोमन तो आप मेरे को अब के बार चार पारेश्वरी करके बुला दीजिए <laughs> ठीक है पारेश्वरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो चार्सो पारेश्वरी चार्सो जी। पारेश्वरी जी स्ट्रेट uh, अप एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था आपसे पूछने के लिए स्पेशली टेक्निकली फिर ये जो लड़ाई होते रहती है लेफ्ट वर्सेस राइट की जो आजकल स्पेशली इतनी बात हो रही है ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी क्योंकि जितना भी जितना आप हिस्ट्री में जाओगे उतना आप बता सकते हो अगर ये है तो वो भी है वो है तो ये भी है बिल्कुल तो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन देयर इज नो सॉल्यूशन तो ये देख लड़ते रहेंगे मैं, मैं आपसे पूछता हूँ, सॉल्यूशन होने की जरूरत क्या है हम hmm. ठीक है लाइफ इज एन इंटरनल क्वेस्ट फॉर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन so, का भी एक प्रॉब्लम निकलेगा आपको हम hmm. ठीक है uh, जैसे अभी देख लीजिए इजराइल में hmm. uh, इजराइल ने सोचा कि ये जो हमने वायर फेंस बना के रखा है गाजा के uh, चारों तरफ ये सोल्यूशन है सेवंथ अक्टूबर को तो पता चला कि वो सोल्यूशन है ही नहीं वैसे आप हिस्टोरिकली देखोगे तो उस तरह का स्टैटिक डिफेंस सोल्यूशन ही नहीं होता इसके पहले उन्होंने बारलेव बनाया था बारलेव लाइन बनाया था साइनाई में जब उन्होंने पूरा साइनाई पे कब्जा कर लिया था वो सेवेंटी सिक्सटी सेवन वॉर के बाद उसको सेवेंटी थ्री में इजिप्ट मिस्र ने ब्रीच कर दिया था फिर आ, फ्रेंच ने बनाया था वो माजिनो लाइन अगेंस्ट जर्मनी वो तो हिटलर ने क्या बोला भाई ये पूरा लाइन है इस लाइन को क्यों अटैक करना इसका घूम के जाओ घूम तो के चले गए ठीक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इट वर्क टिल इट डिड नॉट वर्क राइट तो हर चीज वर्क इट डज नॉट वर्क लाइफ इज अ अंस्टेंट hmm. क्वेस्ट देखिए आप वायरस और एंटीबायोटिक्स का भी देख लीजिए ना hmm. तो इट यू विल नेवर गेट एन एंटीबायोटिक दैट विल किल ऑफ ऑल वायरसेज एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज फॉर एवर वो हमेशा नेचर एडजस्ट करते रहता है एडजस्ट करते रहता है टू एन एक्सटेंट वेर वी आर हम एंटीबॉडीज ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेचुरल प्रोग्रेशन से भी तेज जा रही हैं क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस इतना पहले साइंटिफिक प्रोग्रेस ऐसे जाता था ग्राफ अब सडनली सिंस द नाइनटीन हंड्रेड वेल एटीन हंड्रेड इट्स लाइक दैट ठीक है इन स्पाइट ऑफ दैट नेचर इज एबल टू कैच अप विद अस ठीक है सो देर इज नेवर इन आई हैव लर्न समथिंग की ये बहुत सारे आजकल जो नॉवेल्स बिकते हैं ना उनमें एंड में कोई सोल्यूशन नहीं होता इट्स लाइक लेफ्ट हैंगिंग ह्यूमन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लेफ्ट हैंगिंग देर इज न सोल्यूशन देर आर टेम्परेरी फिक्स राइट दर इज नवर सोल्यूशन डू यू थिंक ये एक आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत सारी बार सुना है एंड स्पेशली द लेफ्ट विंग हिस्टोरियन से कि अगर एक इस्लामिक इन्वेडर मंदिरों को तोड़ता था तो हिंदू रूलर्स भी दूसरे हिंदू रूलर्स के मंदिरों को तोड़ते थे जी इज ट्रू यस इट इज इट इज बट देख लीजिए किस लिए तोड़ा जाता हुँ, था ठीक है। पहले तो हिंदू रूलर वुड नेवर डेसक्रेट द आइडल ठीक है मंदिर जो था वो राजा क्योंकि राजा ने उस पर लिखा होता था ना कि मैं विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनाया है तो आपने जो श्रद्धा उस मूर्ति के लिए दी है आप अब मेरे को ये देखिए यही वो ये मैं बोलता हूं ना राइट विंग बहुत मासूम है, लेफ्ट विंग पूरे के पूरे काले दिल वाले कपटी होते हैं कपटी <laughs> निकम में नालायक लोग होते हैं उनके दिल में कालापन ही भरा होता है आ, उसमें क्या होता है कि उन राजाओं ने जो हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़ा था उन्होंने कभी मूर्ति को तोड़ा था नहीं वो मूर्ति में भगवान उनके दिल में भगवान होता था तो मूर्ति को ले जाके वो अपने इधर रख के उसको पूजते थे ठीक okay. है मंदिर तोड़ते थे क्योंकि तूने जैसे देख लो अब आ, ये अभी महुआ मोहित्रा और जय दहदराय के बीच में जो हुआ yeah. किसी ने कुत्ते को मार डाला हेनरी को किसी ने नहीं मारा ना ठीक है दे बोथ लव आई मीन यू कैन क्लियरली टेल दे बोथ लव वॉट इज इन देर तो ये था कि या जब किसी की बूढ़ी माँ कई बार ये होता है कि मम्मी आप मेरे साथ रहो आप भैया के साथ क्यों रह रहे हो हुँ. या आप दीदी के साथ क्यों रह रहे हो आप मेरे घर में आके रह जाओ और ये झगड़ा होते रहता है ठीक है माँ को कोई मार डालता है क्या नहीं नहीं जाके दीदी का घर जला दोगे या भाभी का घर जला दोगे कुछ भी कर दोगे बट मम्मी को नहीं मारोगे ना इट्स लाइक दैट द मुस्लिम दूस टू कम एंड इट वी डन टू इंसल्ट द रूलर वो धर्म को इंसल्ट करने के लिए करते mm. थे. There, जो वो कभी नहीं बोलेंगे कि मूर्ति थोड़ा थे. Mm. थे, देखो कॉन्वर्सेशन चेंज कर देते हैं नाइट इंटेंट भी ये होता है देखिए इंटेंट में अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको एकदम नया बनाया गया एक पुराने मंदिर को तोड़ के ठीक mm. है उसमें क्या वो भी डेसिक्रेशन ऑफ द टेम्पल था क्या <laughs> नहीं ना सो दीज आर तो यही होता है लेफ्टिस्ट दिस इज़ वाई डू नॉट लाइक लेफ्टिस्ट दे शुड नो बेटर बट बहुत कुटिल नीच लोग होते हैं वो लोग ओके okay. uh, जब हम uh, इसी चीज़ पे और कंटिन्यू करना मुझे जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की uh, कई सारे एंड दिस इज समथिंग जो कि मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हूँ बट आई हैव टू आस दिस क्वेश्चन क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि कई सारे टेररिस्ट इस्लामिक होते हैं पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद डैट कई सारे इस्लामिक इन्वेडर्स ने इंडिया आके भारत में आके मंदिरों को थोड़ा मूर्तियों को थोड़ा दे हैव अ प्रॉब्लम विद डैट तो मैं ब्लेम करूँ किसको फिर आई हैव दिस इटर्नल क्वेश्चन तो वाई डू वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन वाई कॉन्ट यू जस्ट डील विद इट यू नो एक सैम पिट्रोडा एटीट्यूड हुआ तो हुआ ये ना ये गुस्सा अभी के लिए रखना इट इज़ अ मैटर ऑफ एकेडमिक स्टडी ठीक है ये गुस्सा रखना एंड टू एनालाइज दैट एंड पास ऑफ़ कि भाई तेरे हजार साल पहले तेरे परदादा ने हुँ. ये किया तो मैं तेरे को अभी हाँ, वो तो नहीं, इट्स नॉट नाउ हमको समझना है कि मिडेवल पीरियड में एंशंट uh, पीरियड में एक चीज़ होता है और मिडेवल पीरियड में एक चीज़ हुँ. होता है जि जिनका ये एक संधि है एंशंट पीरियड में क्या हुआ कि मोनोथीज़म शुरू हुआ और ये यहूदियों ने नहीं शुरू किया था ये एक इजिप्ट के फैरों ने शुरू किया था जिनका नाम आखेनाटन था लगभग तीन हज़ार तीन सौ साल पहले तीन हज़ार चार सौ साल पहले आ, आखेनाटन ने क्या किया था उनका नाम आखनामुन था और उन्होंने पहले जब उनके पापा के साथ उनका को रिजेंसी चला तो उन्होंने एक पॉलिथीजम से इजिप्ट को हीनोथीस्ट बनाया हीनो hmm. माने एक देवता देवराज हैं hmm. उनकी सबसे ज्यादा हम आ, पूजा करेंगे बाकियों को भी हम पूजा करेंगे okay. और जब उनके पापा मर गए तो उन्होंने बोला बाकी सब नकली आ, आ, देवताएं हैं बस इनको करो दैट इज ठीक है तो हीनोथीजम से मोनोथीजम कर दिया और उन्होंने सब मंदिर तोड़वाया एंड ऑल ऑफ दैट अब ये देखिए ये एक पोलिटिकल ये है इट डज नॉट वर्क बाई द वे पोलिटिकल बिलीफ ये है कि अगर एक भगवान होता है तो पावर uh, सब एक में लोकलाइज हो जाता है तो हुँ. राजा को बस एक भगवान को कंट्रोल करना चाहिए और सब श्रद्धा या गुस्सा बस उस भगवान से आता है करेक्ट वेर इज हियर यू नो हाय लक्ष्मी देवी हमारे से hmm. गुस्सा में है नहीं, नहीं 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 जाके लक्ष्मी देवी को सोना दो नहीं पर इधर सरस्वती देवी हमारे से गुस्सा हैं hmm. चलो उनको आ, हमारा बच्चा फेल हो रहा है क्योंकि सरस्वती देवी hmm. गुस्सा है उससे चलो बैठ के सौ बार उनके आगे गायत्री मंत्र बोलो इट इज़ डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग रिलीजन नाउ अगर आप देखो कि लोकलाइजेशन कैसे होता है मोनथिज्म का दी वन टाइम इट वर्कड वॉज इन इजराइल क्योंकि दूसरा जो एक्सपेरिमेंट मोनोथीजम में शुरू होता है आफ्टर एजिप्ट, एजिप्ट में काम नहीं करता है क्यों क्योंकि बहुत बड़ा है। okay. पूरा नील का, अगर आप, में, km, अगर आप जाएंगे छोटा सा ये है आप टेक्निकली आधा हरियाणा है।, 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 है तो आप नॉर्थ से साउथ एक दिन में गाड़ी में बैठ के चले जा सकते हो ठीक है उधर उन्होंने फिर यही एक्सपेरिमेंट किया कि एक भगवान को हम याहवे करके hmm. हम बनाएंगे और यूनिफिकेशन हुआ hmm. काफी यूनिफिकेशन हुआ टूट भी गया बट यूनिफिकेशन हुआ इट वॉज मोर सक्सेसफुल एट लोकल लेवल अब प्रॉब्लम क्या होता है उन दिनों में ह्यूमैनिटीज नहीं होता है तो सब hmm. सोचते हैं ये एक भगवान से सब कुछ ये हो सकता है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो सकता है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो सकता है तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मच मोर इंटॉलरेंस ठीक है क्योंकि अगर एक भगवान है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अरे अगर मैंने उस, उस भगवान का मंदिर तोड़ा वो मेरे पे गुस्सा कर देंगे नहीं मेरे भगवान ने बोला है उसको तोड़ने के लिए बस आपका गुस्सा और आपका आ, खुशी मेरा ये right. है बाकी सब बकवास है दिस इज वन ट्रेट दैट थ्रेट दैची ठीक है द सेकेंड ट्रेट दैट यू सी और यही आप देखेंगे मेडिट्रेनियन में जब रोम ने ग्रीस को कब्जा कर लिया और फिर इजिप्ट को कब्जा कर लिया जो जुपिटर थे जो देवराज थे उनके हमारे इंद्र की तरह उनके देवराज जुपिटर थे वो इनफैक्ट एक रोमन देवता थे ही नहीं वो ग्रीस से ज्यूस को लाया गया और जुपिटर बनाया गया और जब उन्होंने मिस्र को फिर आ, आ, कैप्चर किया तो मिस्र में उन्होंने जुपिटर को फिर राह जो उनके सूर्य देवता थे उनसे मिला दिया okay. तो एक रोमन जो था वो हुँ. सोचता ही नहीं था कि एक लोकल मंदिर में जाके अगर पूजो वो इमीडिएटली सोचता था कि भाई अच्छा आ, लक्ष्मी देवी ये हमारी आइसिस हैं तो हम हुँ. लक्ष्मी देवी के मंदिर में आके पूजेंगे ठीक है रफली वो सेम एट्रीब्यूट देख के मान, सभी को मानता था ठीक है तो किसी को भी वो देवनिंदा होने नहीं देता था क्योंकि उसको डर था उसमें नॉट दैट फॉर मोनोथियस्ट राइट तो ये दिस इज द एंशंट सोशोलॉजी ऑफ इट मिडेवल में क्या होता है आप देखेंगे कि 1400 साल का जो इस्लामिक हिस्ट्री है इसमें बस 200 साल से कम अरब लोगों ने बनाया है हुँ. बाकी का 1200 साल तुर्कों ने बनाया है और तुर्कों का क्या था ये एकदम पेस्ट्रलिस्ट नोमैड्स थे बहुत ब्रूटल लाइफस्टाइल होता था इनका इनका कोई जीना या मरना काला सफेद सब कुछ हुँ. ऐसे ही होता था तो वेरी क्रूअल वेरी इंटॉलरेंट यू कांट बी टॉलरेंट इन द स्टेप जो दया एक सेटल्ड सोसाइटी में आता है सरप्लस के वजह से वो आपको मार डालेगा स्टेप में राइट right. तो उनका सोसाइटी ही ऐसे बना है ठीक है एंड यू सी दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन कम इन व्हिच इज बाय आप देखेंगे कि जब ये तुर्क और ज मिल जाता है वो और भी क्रूअल बन जाता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थिंग्स इट्स नॉट दैट यूरोपियंस वेर एनी लेस देखो कि यूरोपियंस ने अमेरिकाज में जाके कैसे ये सब किया था ठीक है तो एक फंडामेंटलिज्म इज क्वाइट यूनिक टू मोनोथीज्म देर इज नो डिनाइंग दैट ठीक है पर उसमें जो क्रूरता आती है देखिए आप फंडामेंटलिस्ट भी हो सकते हैं और but why do you choose cruelty? Hmm. that is what makes india unique in that sense. Ki you can have katarpanti hindus who are not cruel. Hmm. Hmm. now, i have never understood the sociological, mira abhi, bhi quest chalte raha hai, that i have not understood it. Um, but who knows? i mean, maybe I, I might not solve it in this life. maybe i'll solve it in my <laughs> third or fourth life or yeah. after this. I don't know. <laughs>

यू कैन से रिलीजियस टेररिज्म बट मोस्टली टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है इट इज सब स्टेट स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग इट एंड इट इज क्या कहते हैं पोलिटिकल मीन्स के लिए इन देंस इज इट पॉलिटिक्स इट इज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इस्पेली रिलीजियस टेररिज्म भी है वेर

एंड दे लाइक जय श्री राम बोलो हाँ जय श्री राम बोलेंगे अब हनुमान चालीसा बताएंगे अब तू हनुमान चालीसा डिसाइड कर तू कैसा हिंदू है ठीक है और इनका आलामुट में नॉर्दर्न ईरान में एक फोट्रेस था जस्ट टू क्लैरिफाईन शहजाद इट्स एन एवोल्यूशन ब्रांच और उसमें क्या था देर ओन स्टेट सो इट वॉज क्लियरलीरिज्म जैसे हमारे इधर भी महाभारता वॉर में शमशप्तका होते हैं वो आर द सुड स्कॉडर टू किल दांडवाज सो आई विल नॉट कंसिडर दशाश्रम टू बी टेरिस्ट ओके सिकारी शायद टेररिस्ट बुला सकते हैं क्योंकि उस टाइम वो ग्रीस के कब्जे के नीचे था और फिर रोम के कब्जे के नीचे था तो शायद आप बोल सकते हो कि टेररिज्म है पर देखिए टेररिज्म जैसे हम बोलते हैं ना ये एक बहुत मॉडर्न डेफिनेशन है आई डोंट थिंक हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि टेररिज्म कहाँ शुरू हुआ था वैसे ओके okay. क्योंकि टेररिज्म अगर आप देखो इसका जो मीन्स है ना मास मर्डर का मीन्स ये एक बहुत नया चीज है जो गन पाउडर से ही शुरू होता है टेक्निकली गन पाउडर से भी शुरू नहीं होता है अच्छा। आ, शायद वो डायनामाइट से ही शुरू होता है ओके। क्योंकि द फर्स्ट नोन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म जो फेल हुआ था वो था गायफॉक्स प्लॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो आ, वो गायफॉक्स कैथलिक था और क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड में कैथलिक सप्रेशन हो रहा था वो पार्लियामेंट को उड़ाना चाहता था अच्छा और उसने सब गन पाउडर स्टोर करके नीचे टनल के नीचे वो पार्लियामेंट के नीचे जाना चाहता था और पार्लियामेंट को उड़ाना चाहता okay. था और उसमें फिर वो पकड़ा गया और hmm. टॉर्चर करके सब गन पाउडर प्लॉट कॉल्ड तो, you know, right? okay. uh, so hmm. तो इसीलिए ब्रिटेन में सेलिब्रेट होता है फॉक्स डे ओके सो मे बी दैट वॉज मॉडर्न टेररिज्म में शायद वो बोल सकते हो फेल्ड था बट शायद हाँ। डेफिनेशन तो है और इसमें टेररिज्म का एक और डेफिनेशन है कि आपको कोलेटरल डैमेज होना चाहिए ठीक है या इंडिस्क्रिमिनेट देखो कोलेट्रलिज्म मिलिट्री टर्म गलत मैंने इस्तेमाल किया कोलेट्रल में क्या है कि मैं आपको मारना चाहता था और मैं ए के फोर्टी सेवन लेके इधर शूट किया पर आपके पीछे कोई था और आपके आपसे घुस के वो चला चल के उधर मर गया यानी कि आप एक बिल्डिंग को बॉम्ब करना चाहते थे पर पास में लोग चल रहे थे मर वो वाला है पर वो मरने वाला है राइट वो बस बम से ही हो सकता है क्योंकि अगर आप चक्कू लेके जा रहे हो आपने निर्णय ले लिया है मैं किसको आपको दिखाई दे रहा है कौन है सो इट इज ऑलमोस्ट प्री डिटर्मिंड

वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था वो टेररिज्म नहीं था वो असेसिनेशन था ठीक है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आवर डेफिनेशंस मॉडर्न जो हम टेररिज्म कहते हैं वेरी डिफिकल्ट टू से बट आई वुड से इट स्टार्ट्स रियली विद डायनामाइट द डायनामाइटिंग ऑफ पीपल इन रशिया एंड जर्मनी एंड थिंग्स लाइक दैट बट देन व्हाईड इस्लाम चूज द वे ऑफ टेररिज़म क्योंकि आईएसिस uh, हो गया जयशे मोहम्मद है अलकायदा है hmm. ये रूट क्यों चूज किया आई वॉन्ट टू नो दैट सो टू थिंग लोग भूल गए हैं कि सबसे ज्यादा डेडली इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ्स बट इन एक जमाने में डेथ्स भी थे वो एक्चुअली एल टी टी थे hmm. जो ज़्यादातर क्रिश्चन होते थे और हिंदू होते हिंदूज मोर क्रिस्म नो बडी इज डन अ स्टडी ऑफ एल टी टी सुसाइड बॉम्बर्स बट इस्लाम में वेरी स्पेसिफिकली ये मार्टरडम का बहुत बड़ा ये है क्रिश्चियनिटी में भी है पर जब आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी का ट्रजेक्ट्री क्या था कि जब तक डायनामाइट एज आ गया था देखिए गन पाउडर ले जाना आप अगर उसी डायनामाइट एक स्टिक डायनामाइट लो बूम पूरा ये हो जाता hmm. है गन पाउडर अगर आपने उतने लोगों को मारना है दो आपको ना इतना मेरे साइज का दो मुट्ठी भर ले जाना पड़ेगा uh, वो दिवाली में एटम बॉम्ब होता है हाँ. ना वो एटम बॉम्ब की तरह बांध के आपको मेरे एक साइज का दो ले जाना पड़ेगा उसी एक स्टिक ऑफ डायनामाइट के लिए ठीक है सो गन पाउडर इट वॉज रियली पॉसिबल बाई डायनामाइट एज शुरू हुआ था यूरोपियन असेंडेंसी पोलिटिकल असेंडेंसी इतना ज्यादा था कि पोलिटिकल एम्स के लिए दे डिड नॉट नीड टेररिज्म वो जहां जाना चाहते थे अपने शिप्स को भेजते थे बमबारी करते थे राइट right. आर्मी भेज देते थे और मशीन गन राइफल ये सब मशीन गन थोड़ा बाद में आया बट कैनन राइफल जो उनके पास सुपीरियर थे वो hmm. कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था सो ये नीड टू यूज टेररिज्म जब ये डायनामाइट सिमटेक्स थ्री ये सब आते हैं इस्लाम इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट सो एज एन इक्वलाइजर एज एन एसिमेट्रिक थिंग दे दिस इज वाई एल टी टी डि नॉट ए स्टेट उनके पास एयरफोर्स नहीं था टैंक्स नहीं थे ये सब नहीं था सो दे अडोप्टेड सुइसाइड बॉम्बिंग एज अ मेथड सो दिस इज ये बहुत सारा ए समेट्रिसिटी का और सोशियोलॉजिकल एक ये होता है कि वाई अ लॉट ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेश देखिए सुइसाइड बॉम्बिंग ईरान यूज इट एज अ पोलिटिकल टूल अलकायदा आइसिस आर टेररिस्ट बट सुइसाइड बॉम्बिंग एज अ स्टेट टूल इरानियंस ने शुरू किया था इराक वॉर के टाइम पे क्योंकि उनका क्या था कि भाई बाई दई नाइनटीन एटी एक साल के अंदर खोमेनी ने सबको एलिनेट करके रखा था एक भी okay. फ्रेंड नहीं बचा था उनका रूस को एलिनेट करके रखा था hmm. अमेरिका को एलिनेट करके रखा था इसराइल ने एलिनेट करके रखा था इराक को एलिनेट इराक तो पहले से ही था तो कोई भी उनको सप्लाई नहीं कर रहा था hmm. उनको वो गाइडेंस मैकेजम्स जो एम्यूनिशन आना था नहीं मिल रहे थे तो क्या करते थे फिदाइन आप बॉम्ब लगाओ चुपचाप से एक इराकी बंकर के अंदर जाओ और अपने आप को विस्फोट कर दो ओके सो इट वॉज एक्चुअली एज अ यूजिटिकल टूल एंड देन इट स्टार्ट गेटिंग यूज ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर ये सुइसाइड बॉम्बिंग्स इराक फ्रंट में शुरू होते हैं hmm. जो लेबनी शियाज होते हैं वो फिर सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं बिकॉज दे रियलाइज इट्स अ फटेस्टिक टूल हम लेके वो अमेरिकन एम्बसी के अंदर एक ऑलमोस्ट एक टन एक्सप्लोजिव लेके उन्होंने ट्रक एंड ड्राइव इन कर दिया था नो बडी रिमेम्बर्स द अमेरिकन एम्बेसी बॉम्बिंग इन बाई रूट बट दैट वॉज द फर्स्ट जो पहला जो ईरान इराक वॉर के फ्रंट में जो हुआ था स्टेट लेवल पे वो नॉन स्टेट लेवल पे पहली बार उधर ट्रांसपोज होकर फिर आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो पहला सुइसाइड बॉम्बिंग है ओके बट अगेन टेररिज्म एक डेफिनेशन है यू कैंट सी टेररिज्म स्टार्ट ये ये ना पोस्ट फैक्टो टेकिंग इट हिस्टोरिकली बहुत यार अप्रोप्रिएट नहीं है hmm. क्योंकि उ, उ, उस जमाने का रियालिटी ही अलग था ट्रू ओके सो ईरान आपने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड उन्होंने uh, ये जो सुसाइड बॉम्बस थे उन्हें यूज़ किया था hmm.

वो एक तरफ इसराइल अच्छा, के साथ में लड़ रहे, है, तो, में लड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से लड़ रहे हैं तो, तो जैसे मैं बोला था ना हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है दे आर नॉट दी ओनली शिया मजॉरिटी कंट्री एक्चुअली चार शिया मजारिटी कंट्री हैं हाँ चार शिया मजोरिटी कंट्री हैं अजरबाईजान ईरान इराक और लेबनॉन लेबनान में 1921 से सेंसस ही नहीं हुआ है क्योंकि वो डरते हैं सेंसस से कि रिलीजियस सेंसस दिखा देगा कि शिया एक्चुअली असली मजारिटी में है आ, इराक में हमको पता है अब कि एक शिया मजारिटी है अजरबैजान तो बहुत पहले से शिया मजारिटी था पर जब आप अजरबैजान जाएंगे आपको शिया लगेगा ही नहीं क्योंकि उधर कोई भी आया का फोटो नहीं लगेगा कुछ नहीं नॉट अलाउड डिक्टेटरशिप है ना वो सब कुछ सप्रेस करके रखते हैं ठीक है ना ईरान का क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको ईरान जब तक शाह थे टिल नाइनटीन उनका जो प्रोग्रेस था एकदम ऐसे जा रहा था ठीक है बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था बहुत मॉडर्नाइजेशन hmm. हो रहा था शायद बहुत जल्दी हो रहा था एक एकदम ट्रेडिशनल सोसाइटी को अगर आप सिंपल चीज़ ले लीजिए इधर कोई आंटी होंगी इधर hmm. बम्बई में जो ट्रेडिशनली हमेशा आ, पूरा साड़ी पहन के नोज रिंग पहन hmm. के ईयर रिंग पहन के घूमती हैं और आप बोलो आंटी अब से आप ये नहीं पहनोगे आप हॉट शॉर्ट स्कर्ट पहन के टैंक uh, टॉप पहन के नहीं वो क्या वो ट्यूब uh, टॉप पहन के mm. uh, बिना ज्वेलरी के घूमोगे आंटी विल फील अनकम्फर्टेबल अबाउट इट थ्रू आउट उनकी जो बेटी हैं जो अगले जनरेशन की लाइक mm. हाँ मैन मैं साड़ी कहाँ से पहनेंगी बट आंटी विल बी लाइक ये क्या मैं नंगा घूम रही हूँ क्या mm. तो वो हमेशा रहेगा ना तो इट थिंक फिट एम गिविंग अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल पर अगर सोसाइटी में वो करेंगे एक बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी सडनली बीस तीस साल में इतना मॉडर्नाइज हो गया कि आपको देखिए थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आप जिंदगी में डील कर सकते हैं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन hmm. में जो हमने पिछले 200 साल में मॉडर्नाइज किया है वो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ है hmm. जो एक साल में आजकल मॉडर्नाइजेशन होता है वो हिस्टोरिकली शायद 100 साल लगते थे होने में तो लाइफ टाइम और लाइफ टाइम भी कितना बड़ा है लाइफ स्पैन कितना बड़ा है पहले आप टिल अबाउट थ्री फोर हंड्रेड इन बैक आप तीस साल की उम्र पे मर जाते थे राइट right. अब आप सत्तर अस्सी साल जी रहे हो hmm. तो यूर ऑलमोस्ट लिविंग टू थ्री टाइम्स नॉट टू थ्री टाइम्स लॉन्गर देन जो आपके पूर्वज रहते थे ठीक है तो आप ये सब देख रहे हो आप अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो ये सब hmm. तो एक सोशल टेंशन था नंबर वन नंबर टू क्या था ट दिस टाइम देर डेवलप्ड सो मच उनका जो पर कैपिटा इनकम जी था वो साउथ कोरिया और ताइवान से ज्यादा था उस टाइम ठीक है ट्रेडिशनल सोसाइटी इतना डेवलपमेंट हुआ है आप अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हो उस टाइम सऊदी अरेबिया नहीं था अमेरिका का फॉरन पॉलिसी टूल इसल भी उतना नहीं था जितना ईरान था इनफैक्ट hmm. इसराइल भी नंबर टू था ईरान ही नंबर वन था जो भी अमेरिका चाहता था वो ईरान पर ही फोकल uh, पॉइंट होता था ईरान right. कभी भी ऐसा नहीं था कि उनको क्योंकि इतने बड़े देश थे वो इसराइल की तरह नहीं थे कि इसराइल को ना इसराइल इज मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका देन ईरान वॉज तो इसराइल को ज्यादा करना पड़ता था पर ईरान ही वो फोकल पॉइंट था अमेरिकन मिडल ईस्टर्न एम्बिशंस के लिए अब खोमेनी आते हैं खोमेनी का क्या है एम शिया ठीक है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल द sunnis वोंट एक्सेप्ट मी बट समथिंग मोर डेंजरस पीपल डोंट रियलाइज इट didn't स्टार्ट एज अ शिया Sunni कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम क्या था कि आप अगर मिडल ईस्ट को उस टाइम पे बांटो 79 के पहले रिपब्लिकन hmm. स्टेट्स का एक नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट था और मॉनरकीज का एक साउथ ईस्टर्न बेल्ट था यानी कि पूरा जो अरब पेनिनसुला है सबके सब मॉनरकीज सब थे और ईरान मॉनरकी था ठीक hmm. है दे हेटेड रिपब्लिकनिज्म यार शाह खुद अपने आप को डेमोक्रेट थोड़ी ना बनाएगा आपके पास सब पावर है आप क्यों किसी और को पावर दोगे और इजिप्ट सीरिया में ये सब रिपब्लिक्स आ गए थे और उन्होंने जाके फिर जो इराक के जो महाराजा थे उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मर्डर किया हुँ। जो इनफैक्ट इसके भाई थे या कजन थे जॉर्डन के महाराजा के तो दे हेटेड अरब रिपब्लिकनिज्म, बट बाई 1979 अरब रिपब्लिकनिज़्म कंप्लीटली वो बदनाम हो गया था गमाल अब्दुल नासर एक बहुत ही डाइड अ ब्रोकन मैन अनवर सदात को असिनेट कर दिया गया और फिर इजिप्ट एकदम कंटेन हो गया उसका उस right. फिर uh, वो बिग जो खुद अपना लीडरशिप रोल देखता था वो बंद हो गया

हिंदुस्तान में तो हम जमाल बोते हैं anyway, आ, क्या हुआ कि दे कांट अपोज नासर वो सुनी है हमारी तरह अरब बोलता है हमारी तरह तो हम क्या करेंगे और वो बोल रहा था हम सब अरब स्टेट्स को एक होना चाहिए दे कांट अपोज दैट ना अरब आम सब कुछ एक एकजुट होना चाहता है ओके बट ईरान ये इस्लामिक रेवोल्यूशन रहना चाहता है तू शिया है तू अरब ही नहीं है तू एक्चुअली इंडो uh, यूरोपियन hmm. है तू हमारा तू अरब नहीं है तो अरब बोलता नहीं है तू uh, uh, सुनी भी नहीं है सो इट्स परफेक्ट एंड दैट इज़ वेर ये पूरा शिया सुनी शुरू होता है ओके okay. तो ये एक किस्म से ईरान का क्वेस्ट रहा है कि जो ईरान का पूरे रीजन पे वो डेप्टी शेरिफ रोल अमेरिका ने दे रखा था ना एक्सेप्ट जो सोवियत क्लाइंट स्टेट्स होते hmm. थे लाइक इजिप्ट एंड सीरिया एक्सेप्ट देम ये उसका वापस अपना टेरिटरी रीगेन करने की कोशिश है ओके ठीक है इन दैट सेंस एंड नाउ देव एक्सेप्टेड की देशिया पहले तो इस्लामिक इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलते रहते थे बट नॉट कंप्लीटली इसीलिए वो हमास को सपोर्ट करते हैं अलकायदा hmm. को सपोर्ट करते हैं सो यू सी इट्स इट्स वेरी नुआं दैट वे एंड इट्स इट्स अ हिस्टोरिकल पैटर्न क्योंकि आप देखोगे कि हिस्टोरिकली जो ईरान था पिछले दो हजार पांच सौ साल से जब से साइरस और डारीस शाह थे ईरान के एखेनिडेम्परस जो ज़ारथूष थे तब से ये जो वेस्टर्न लेबान है ये जो इसराइल सीरिया इजिप्ट, टर्की इसको हमेशा किसी ने उनसे छीनने की कोशिश की है बहुत बुरी तरह से हारे हैं और फिर धमासान युद्ध करके वापस उन्होंने कब्जा किया है तो एकेमेनिड एम्पायर ने मिस्र पे कब्ज़ा किया तुर्की पे कब्ज़ा किया फिर अलेक्ज़ेंडर ने आके उसको ख़त्म कर दिया और फिर से पार्थियन एम्पायर ने ठीक है मिस्र नहीं जा सके पर इसराइल तक ले लिया पर दो तीन साल में रोमन्स ने फिर उनको पुशबैक कर दिया फिर उनको जो ससान एम्पायरस थे उन्होंने फिर से पूरा का पूरा जरूसलम भी कैप्चर करके ले लिया और उसके बस 20 साल बाद ही रोमन्स ने वापस ले लिया और 40 साल बाद अरब्स ने आके पूरे ईरान को खत्म कर दिया ठीक है सो दिस इज अ टोटल हिस्टोरिकल पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उनके प्रोपागैंडा से जाते हैं हम हिस्टोरिकल पैटर्न नहीं देखते uh, उसने बोल दिया शिया सुनी तो हाँ इट इज शिया सुनी। <laughs> right. आप हिंदुस्तान में देखिए थोड़ा बहुत शिया फ्रिक्शन होता है जैसे कि कश्मीर में अगर आ, शिया लोग अपना वो मुहर्रम प्रोसेशन ले जाना चाहते थे पथराव करते थे पर कई बार पथराव भी नहीं करते थे आपने कभी इतना ब्रूटल इंडिया में शिया सुनी फाइट्स देखा है नहीं 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 होता है आ, इवन ईरान एंड ऑटमन एम्पायर जब उन्होंने पीस ट्रीटीज किए तो उसमें क्या था कि जब सफविद शाहिनशाह थे और वो ऑटमन शाहिनशाह से लड़ रहे थे तो क्या हुआ था कि बस ऑटोमन शहनशाह ने वो ट्रीटी टी ऑफ चालदीरान जहाँ आज कल ईरान और इराक का वेल टेक्निकली ईरान इराक का बॉर्डर है जो ऑटोमन एम्पायर का बॉर्डर था सेट हुआ उस ट नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली रख लो ठीक है उसमें क्या बोला था कि देखो आप आ, उस ट्रीटी में एक था कि ईरान में जो मोहम्मद के बाद सब प्रॉफिट होते हैं उनको आप रिलीजसली हर फ्राइडे को जब जुम्मा का प्रेयर होता है गाली दिया जाता है उनको oh. कि अह अली को ही अगला सक्सेसर बनना था hmm. ये तीन नाजायज खलीफ हैं हम इनको मानेंगे hmm. ही नहीं और उनको गाली दिया जाता था द कर्सिंग ऑफ द खलीफ्स एज़ इट वाज़ कॉल्ड वो ट्रीटी के प्रहार रोक दिया गया ओके okay. पर फिर से इन्होंने शुरू कर दिया एंड फिर नादिर शाह का जब ट्रीटी होता है उनके साथ फिर से वो रोका जाता है सो hmm. इट्स so, येशिया सुनी जो आप एंगल देख रहे हो ना जो बहुत लोग ये देखिए इसमें भी ना वो बीस साल तक का हिस्ट्री पढ़ेंगे पर चार हजार साल का हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे hmm. तो आपको लगेगा कि ये रूट कॉज है बट इट इज नॉट द रूट कॉज मैं अभी भी मानता हूं ये शिया सुन्नी का जो डिवाइड है इट इज अ वेरी कंट्राइव्ड मॉडर्न प्रोपगेंडा वॉर इट्स नॉट रियल आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग हर सेक्ट के बीच में वायलेंस तो होता ही है आई मीन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस ठीक है बट जो एक्चुअल इसका रूट है ये बहुत हिस्टोरिकल है पोलिटिकल है क्या है रूट exactly? कि ईरान अपने आप को बहुत बड़ा एम्पायर समझता है समझता है कि पूरा सऊदी जो अरब पेनिनसुला है उसका है इसराइल तक लैंड उसका है या कम से कम अगर उसका नहीं है सबको आके उनके आगे आके सब ये क्या कहते हैं शष्टांग प्रणाम करना हाँ. चाहिए ओके okay. हम महाराजा हैं आप राजा हैं आप अपनी औकात समझिए और आके हमारे पद्म पाद को चुमा दीजिए ओके बट क्या आपको लगता है मिडल ईस्ट के जितने प्रॉब्लम्स हैं इनका वो एक जो एटलीस्ट जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है ये 53 में जो को हुआ था वहाँ पे जो अमेरिका एंड ने किया था ये देखिए ये फिर से ना ये क्या होता है कि ये आ, ये थियोरी है जो कई सारे लेफ्टिस्ट और ये जो आ, फिल्म एक्टर है जिसने वो आर्गोस मूवी बनाया था क्या है Yeah, ये ये पॉप हिस्ट्री है hmm. ये हिस्ट्री चैनल वाला दो कड़ी का हिस्ट्री है यह असली <laughs> हिस्ट्री नहीं okay. आ, वो आ, जो था वो ही वॉजन वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर नंबर वन कू तो होते रहते हैं बस इसमें नया क्या चीज़ है तो खोमनी हाउडी टॉपल पहलवी राजा hmm. वो भी कू था न तो ये, ये कौन सा इतना लोकप्रिय था एंड यू नो यू गो बैक इन हिस्ट्री ये बोलते हैं you know, Uh, ये पिनोशे ने आलियंदे को गिराया hmm. और uh, पहलवी शाह ने इस प्रधानमंत्री को गिराया वो प्रधानमंत्री ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू के द इलेक्शन द किंग नेवर वांटेड टू गिव एन इलेक्शन तो वो भी एक किस्म से कू था ना ये खुमेनी कौन सा अभी इलेक्शन या अभी खामिनी कौन सा बड़ा इलेक्शन अलाउ करता है hmm. वो भी एक किस्म से स्टेज मैनेजड इलेक्शन है तो ये कौन सा ये है यू नो दीज आर वेरी सॉर्ट ऑफ ये हॉलीवुड एक्सप्लेनेशंस होते हैं दीज आर नॉट द मोमेंट आई रीड कि कोई विद्वान ने सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल विद्वान ने बोला है कि 53 थ्री कू से ही शुरू हुआ था मुसादिक मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर मुसादिक कू से शुरू हुआ है ये पुस्तक लो कचड़े में फेंको वैसे सरस्वती को कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए बट ऐसे स्कॉलर्सों का जैसे वो जब हज करते हैं ना वो ये

ईरानियन रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था पहले हम समझ लेते हैं एंशंट सोसाइटी कंप्लीटली फ्यूडल ऑसिफाइड सोसाइटी ठीक है जैसे मैंने बोला अस्सी साल की दादी माँ जिसको आपने सडनली बोला है आप अब से आप मिनी स्कर्ट और ट्यूब टॉप पहनेंगे hmm. अगर आप दादी माँ के साथ जाके बोलेंगे अब से आप ट्यूब ट्यूब टॉप और मिनी स्कर्ट पहनेंगे दादी माँ आपको क्या करेंगी चाटा मारेगी अरे चाटा तो कुछ नहीं होगा वो बोलेंगी अपने बेटे को और माँ को ये तूने कैसे नालायक औलाद <laughs> पैदा करके रखा है सब निकाल के चप्पल फप्पल <laughs> हॉकी स्टिक क्रिकेट बैट सब कुछ आके तुम्हारे पे पड़ेगा आई एम सिंप्लीफाइंग इट बट समझ लो कि क्या मेंटेलिटी है राइट नाउ अप्लाई टू होल सोसाइटी इसका एंड यू नो मॉडर्नाइजेशन इज अ वेरी डिसरप्टिव थिंग ठीक है दी काइंड ऑफ आइडियाज एंड थिंग्स थिंगसपोज टू यू कंट डील इट विधाइम्स इट्स इट्स अ वेरी दिस थिंग सो इट वॉज अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल थिंग की जो और ये भी था आपको आपने देखा है ट्विटर में एक ट्रेंड है कि ये जो मॉडर्न ईरानियन लोग होते हैं ना जो लॉस एंजलीस में रहते हैं लॉस एंजलीस को वैसे हम तेराना पुलिस कहते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न तेहरान हैियन पॉपुलेशन ओके वो हमेशा दिखाएंगे या अफगान लोग दिखाएंगे कि नाइनटीन में देखो हमारे लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहन के यूनिवर्सिटी में जा रही थी हुँ. और अब जबरदस्ती बुरखा भाई ये बस सिटीज में होता था पता है नाइनटी परसेंट ऑफ ईरान स्टिल यूज टू वेयर द शादोर दाइनटी परसेंट ऑफ अफगानिस्तान स्टिल यूज टू वेयर द बुरखा ठीक है ये आपको बस दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न ऑडियंस के साथ जाता है कि देखो कितना प्रोग्रेसिव था यार हुँ. और पूरा अस्सी साल की दादी माँ भी शॉर्ट स्कर्ट पहन के घूम रही थी Hmm. वही लड़कियां आप देखेंगे जो शॉर्ट स्कर्ट पहन के काबुल यूनिवर्सिटी में थी या तेहरान यूनिवर्सिटी में थी उनकी ही दादी माँ घर पे भी शादोर और पहन के घूमते ही होंगी ओके okay. ठीक है सो इट्स अ वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नंबर वन नंबर टू क्या हुआ कि द ऑयल प्राइस शॉक तो क्या हुआ कि जो आ, पहले तो जब योम वॉर इजिप्ट हार गया तो अरब ऑयल एम्बार्गो शुरू हुआ जिसमें ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए कि लोगों का जीना हराम हो hmm. गया था उस टाइम इनफैक्ट फैक्ट इमरजेंसी इन इंडिया इज वन ऑफ द काजेज समथिंग डायरेक्टली दैट केम आउट ऑफ दम कीपुर वॉर एंड ऑयल प्राइस हमारा उस टाइम जो इम्पोर्ट बिल था देखिए हम इकोनॉमिकली उस टाइम इतने स्ट्रांग नहीं hmm. थे और जो भी हमारा फ्यूल सब आता था उधर से ही आता था और जब ऑयल प्राइस राइज हुआ हमारा इकोनॉमिक स्थिति एकदम और हम उस टाइम भी हम 1971 का कर्जा चुका रहे थे वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे उनको देखभाल करने के लिए कितना पैसा इट वाज ऑलरेडी रेकिंग आर इकोनॉमी फिर युद्ध का पैसा डबल रेकिंग ऑफ द इकोनॉमी फिर तेल का दाम इतना बड़ा तुम तो गए ही सो इट वॉज अ सोसाइटल इट वॉज अ वेरी प्रिकेरियस सोसाइटी इतना तनाव बढ़ गया था आ, आर्थिक तनाव से जो सामाजिक तनाव बढ़ता है इतना बढ़ गया था उस टाइम कि फिर जयप्रकाश नारायण ने बोला कि अगर इस औरत ने बोला कि आ, ये करो तुम नहीं करोगे तुम भगवा कर दोगे आ, इस पर एंड यू नो इट ये बहुत सिंपलिस्टिक नैरेटिव है क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने बोला इसीलिए इंदिरा गांधी ने ये हुँ. किया या ये जजमेंट आया इसीलिए वो वो जजमेंट क्यों आया वाई डिड द जज फील ही हैड द पावर टू डिसक्वालिफाई इंदिरा गांधी इट ऑल हैपन्ड इन सिचुएशन सराउंडिंग इंडिया जहाँ पूरा इकोनॉमिक मेल्टाउन हो रहा था यू कूड नॉट पे द प्राइस पूरा फॉरन रिसोर्सिसम सक कर रहा था ठीक है वॉट यू डू यू कान गो बैक टू बैलगाड़ी ना इंडस्ट्री तो चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चलना है आपको right. गाड़ियां चलानी है सब कुछ चलाना है सो दैट इज वाई एमरजेंसी अब ईरान के लिए यह बहुत अच्छा था प्रॉफिट बूम हो रहे थे वो hmm. uh, उस टाइम ठीक है And suddenly in 78 the oil prices just collapse theek hai ठीक है tak जब तक liye लिए पैसा था ईरान में तब तक opposition ज्यादा नहीं था खोमेनी को निकाल दिया गया ज्यादा कुछ protest नहीं हो हुँ. रहे थे ये सब था ठीक है पर आपने जो पूरा ये सोशल ये आ, सो, आ, आ, सोशल वेलफेयर का जो नेटवर्क बना के रखा है पैसा सडनली जो आपका एक लीटर आ, तेल के आई दिस इज इन ऑयल प्राइस जस्ट से मैं पहले सौ रुपए का बेच रहा था मैं अपना पूरा घर चला सकता था उसका ठीक है बीस आ, आ, बीस लीटर बेच लो आ, तेल का और आ, दो हज़ार रुपये दिन का आ, ये तो छोड़ो घर में पकाना छोड़ो मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ए बिल टू थाउजेंड रुपीज़ डे ए बिल पे कर सकता हूँ रोज़ जोमेटो से ऑर्डर करके कहूँगा पर जब एक रुपये हो जाता है तो बीस रुपये मिल रहा है जोमैटो तो जोड़ो मेरे को चावल खाने से आलू भी नहीं खा सकता बस चावल ही खा सकता हूँ और कुछ ही खा सकता हूँ ठीक है ऐसी स्थिति हो गई थी दैट इज़ वाई आर्थिक तनाव की वजह से सामाजिक तनाव बढ़ा जिससे ये रेवोल्यूशन पैदा हुआ और जब okay. सामाजिक तनाव बढ़ता है उनको एक लीडर चाहिए होता है वो लीडर कौन था उन्होंने देखा खोमैनी और खोमेनी उस टाइम बोलता था देखिए हम बहुत क्या प्यार और अरविंद uh, केजरीवाल की तरह <laughs> हम ऑनेस्ट हैं लिटरली अरविंद केजरीवाल इज लाइक खोमेनी ऑल द गो प्रोम विंडोटकास्ट हाँ केजरीवाल इज द खोमेनी ऑफ इंडिया एंड विद इन वॉट लिटरली विद इन वीक्स ऑफ कमिंग टू पार केजरीवाल मैसिव करप्शन राइट इन योर फेस विजिबल करप्शन ठीक है पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट कि वो कॉरपोरेटर और काउंसलर्स आपके क्या कर रहे हैं hmm. उधर उधर तो अगले लेवल का करप्शन हो रहा है खोमिनी बस लाइक दैट सब डेमोक्रेसी का प्रॉमिस दिया और जैसे ही आके बोला डेमोक्रेसी well, बट आप इलेक्शन करोगे पर मैं निर्णय करूंगा कि राष्ट्रपति कौन बने hmm. वो हम इस्लामिकली चूज करेंगे कि आप किसके लिए वोट कर सकते हो राइट right. यानी कि अगर इस स्थिति में मैंने नरेंद्र मोदी को डिसक्वालिफाई कर दिया एंड बोला कि तुम या तो राहुल गांधी से चूज करो या अरविंद केजरीवाल को चूज करो ये कहां की डेमोक्रेसी हो mm. ठीक है सो दैट इज वॉट सो देर एवरी प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट हैज बी वेटेड बाई द गार्डियन काउंसिल राइट ठीक है इफ़ यू आर इस्लामिकली कंप्लाइंड तो ये कौन सा डेमोक्रेसी हो mm. huh? ये दिस इज जस्ट डेमोक्रेटिक वैलिडेशन ऑफ अ प्री सिलेक्शन ठीक है और उसमें थोड़ा कभी कभार एक क्रेडिबल ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़ा कर देंगे जो टेक्निकली ये और ये ना ये आप वेस्टर्न प्रेस में और इंडियन प्रेस में भी पढ़ोगे ये मॉडरेट कैंडिडेट है कैन स्वेयर ऑन द स्पॉट का शोर शोर बहन छोट कहाँ का मॉडरेट है <laughs> ये, एक, uh, 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 ये, ये एक इसके पहले जो राष्ट्रपति था खातमी hmm. वो खातमी जब ही वॉज कंसिडर्ड मॉडरेट खातमी वॉज रिस्पॉसिबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंंगिंग्स दैटन ड्यूरिंग द रेवल्यूशन पता है खातमी वॉज द मिनिस्टर देन इन चार्ज ऑफ दोज हैंगिंग्स एंड आई रिमेंबर पहली बार जब मैं तेहरान पहुँचा नाइनटीन एटी फाइव एटी सिक्स पता वन ऑफ दोज ईयर्स जब यू you नो know, ई ईरान इराक वॉर चल रहा था और स्कट्स भी लैंड hmm. हो रहे थे तेहरान में माई फर्स्ट थिंग उस अब नया एयरपोर्ट मेहराबाद एयरपोर्ट है पुराना एयरपोर्ट नॉर्थ सच एन आइस एयरपोर्ट जब हम बाहर निकल रहे थे पहला जो गोल चक्कर था जब हम निकले उधर से एक क्रेन लटका हुआ था क्रेन में से तीन लोग लटके थे। हैंगिंग लाइक इन इंडिया इंडिया इराक में क्योंकि ब्रिटिश uh, वो हैंगिंग सिस्टम चलता है बहुत आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करके वो करेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि आपको ना जब फांसी चढ़ता है You are dead even before you feel it. वो right. आपका नेक स्नैप करना है दिस इज नॉट नेक्स्ट स्नैप हैंगिंग दिस इज ट्रेंगुलेशन हैंगिंग आपको लटकाया जाएगा और फिर क्या होता है आस्ते से क्रेन ऊपर निकलता है ओके okay. तो आपका आपका आ, गला टूटता नहीं है आपका घुट घुट के घुट घुट के आप सुसु कर देते हो टट्टी कर देते हो आ, घुट घुट के मरते हो ओके okay. और लोग आके ये देखते हैं सो दिस वाज अ वेरी खातमी डिड दैट ये खातमी के बाद एक और क्या कहते हैं मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट आया था लवड़ा का मॉडरेस्ट लवड़ा का रिफॉर्मिस्ट hey. उससे बहते तो हमारा ये जामा मस्जिद का वो सैयद बुखारी hmm. है ना उसको बना दो राष्ट्र वो सुनिए ठीक है, है नहीं बना सकते बट ठीक है वो ही इज मोर रिफॉर्मिस्ट ओवैसी इज मोर रिफॉर्मिस्ट एनी ऑफ दीज मॉडरेट इनके सो इट्स इसका ना कोई आसान सा एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत hmm. सारी चीजें और ये भी जो मैंने आपको बताया है न, ना दिस इज प्रॉबली नॉट इवन टेन तो टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ तो द तो एक्सप्लेनेशन आप hmm. और खोदोगे तो आपको इतने सारे और आ, ये मिलेंगे जब मैं ईरान मैं ईरान जाते रहता हूँ मोस्ट ऑफ माई ट्रिप्स मैं एडवर्टाइज़ नहीं करता हूँ बट कई बार जब मैं बस टूरिज़्म के लिए जाता हूँ ना थोड़ा सा इधर उधर डांस करके आ जाता हूँ बट उधर क्या होता है कि जब भी मैं किसी को के बारे में पूछता हूँ हैं कौन hmm. हैं कौन फर्स्ट ऑफ ऑल देर अ वेरी ए हिस्टोरिकल सोसाइटी दे डोंट रिमेंबर आउट ऑफ देर ओन हिस्ट्री देर देयर मच मोर अबाउट पार्टिंग एंड फूड एंड अगला पार्टी कहाँ हो रहा है अगला ये कहाँ हो रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा इट्स अ वेरी हॉलीवुडेस्क सोसाइटी वो समझते हैं कि जो ईरान के जो हिल्स हैं ना ताजरीश hmm. एरिया में शमिरान दे थिंक दैट इज़ हॉलीवुड तो वो थोड़ा बट देन आई थाट कि चलो हम ऑर्डनरी पीपल यू नो सो शराज एंड कुम आर मच मोर कंजर्वेटिव दैन इस्फान एन तहरान इसफान और तेहरान बहुत ही एक वो एक अर्बन वाइब है वैसे शराज इवन मॉडर्न सिटी उसमें बहुत ट्रेडिशनल है हुँ। तो शिराज में भी मैंने जाके पूछा कुम जहाँ मोस्ट ऑफ द उनका जो आ, 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 सेमिनरीज हैं जो इस्लामिक सेमिनरीज हैं वो कुम में हैं मुसादिक मुसादिक हाँ था तो क्या उसके तो ग्रेव पे भी कोई नहीं था ना। बहुत एकदम उसका ग्रेव हाँ आई मीन नोबड़ी रियली कैस आई मीन तो ये ये ना ये बहुत एक लेफ्टिस्ट वेस्टर्न हॉलीवुडिव है hmm. कि मुसादिक के वजह से गुस्सा था इट्स अ वेरी स्टूपिड अनो क्लास एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट आपने बीच में एक चीज की थी कि uh, वहाँ पर लोग वो चादर पहन के घूम रहे थे एंड देवर है Deekhi, मैं, जो मैं, वो, मैं, मैं जान नहीं सकता हूँ कि वो हैपी थे या नहीं ठीक है बट देवर यूज टू इट मतलब एक नॉर्मल चीज थी वो हाँ सो जैसे मैंने अफगानिस्तान में अगर आप अफगानिस्तान देखो टेक्निकली ये बोल रहे हैं कि भाई ये इतना ऑपरेशन हो रहा है कि पूरा भुरखा बहन के घुमा रहे हैं ठीक है अब एंड डोंट लाइक इट द उजबैक्स आर वेरी मॉडर्न या हेराट में तो शिया है दे डोंट लाइक इट दे आर वेरी मॉडर्न लौड़ा जब मैं उधर गया एक्सेप्टी डिंग वे जो पूरा वो पर्पल बुरका mm. नहीं पहनते थे वो बस पहन के घूमते थे बाहर। for them it was an issue. But 90 पहले तो के साथ बात करना भी वेरी वेरी लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइंड टू कम एंड मी इंटरव्यून एंड थिंग्स लाइक दैट उनके हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था एंड थिंग्स लाइक और वो भी वो मेरे को जवाब नहीं देती थी mm. uh, उनसे सो एवर वन थिंग दैट वाज़ वेरी क्लियर वाज़ भाई हमको इसके सिवा और कुछ पता ही नहीं है तो so, जैसे मैंने आपको दादी साड़ी पहने वाली hmm. दादी माँ का अस्सी साल वाली दादी माँ का ये दिया श्योर इस गर्मी में इस uh, मुंबई के उमूस में पूरा साड़ी पहनना ब्लाउज पहनना और ये डायमंडयर और नोज रिंग पहनना इज अ चोर ठीक है नाउ इफ यू टुक अ सी गर्नी वेवर फुल बॉल्ड हेयर कट एंड वो ट्यूब टॉप में भी नॉट ट्यूब टॉप पर नाइटी पहन के घूमोगे तो इट्स कम्प्लीटली फ्री इट्स वेरी ईजी बट दैट्स नॉट वॉर द यूज टू मेरी जो नानी थी राइट टू दर एंड यू नो वैन शी बिकेम इमोबाइल जब उनको ना इन्वॉल्ट्री uh, ये होता था तब नाइटी पहनना हमने जबरदस्ती उनको नाइटी पहनना mm -hmm. शुरू किया सोती थी भी अपने डायमंड इयर के साथ और पूरा वो जो मड़ीसार होता है ना वो नाइन uh, यार्ड सारी जो पहनते हैं उसी के साथ वो सोती थी ओके शी वॉज वेरी यूज टू इट शी डेंट नो एनी डिफरेंट सो दी दे ऑल्सो डोंट नो एनी डिफरेंट तो ये ना ये जो आ, ये जो मिशनरी माइंडसेट है कि मैं खुदा का फरिश्ता हूँ आप अप्रेस्ड हैं मैं आके आपको बचा रहा हूँ किसी से ये भाई तू वॉशिंगटन डीसी में छोड़ दे यहाँ तेरी बचाव की कोई जरूरत नहीं है सो यू नो इट आई डोंट नो इफ दे वेर दे न्यू नथिंग बेटर एंड लाइफ गोज ऑन दिस इज समथिंग आई समर्न इन नॉर्थ कोरिया ठीक है जब मैं नॉर्थ कोरिया गया था मैं लाइक यार ये कितना ओपरेस सोसाइटी hmm. है मैं ये ओपरेस सोसाइटी में ये ओपरेशन <laughs> uh, जू की तरह मैं सोच के गया था एंड यू इट रिमाइंडेड मी ऑफ ग्रोइंग अप इन डेली इन द नाइनटीन एटीज़ सीरियसली हाँ बिकॉज नाइनटीन एटीज इन भारती नगर खान मार्केट के ऑपोजिट लिटरली आई ओरिजिनल खान मार्केट गैंग ये सब तो सब नए वाले खान मार्केट गैंग हैं चपरासी बनने की भी लायक नहीं है मेरे मैं ओरिजिनल खान मार्केट गैंग हूँ उस टाइम का ठीक है तो हम उसके ऑपोजिट गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं भारती नगर करके मैं उधर रहता था उसके बाद रविंद्र नगर जो इस लिटरली खान मार्केट का एक्सटेंशन ही है रख ठीक है <coughs> उसमें क्या हुआ सुबह सुबह दिल्ली जू लगभग पांच किलोमीटर दूर है इतना सन्नाटा होता था दिल्ली में कि सुबह पांच बजे हमारा अलार्म होता था जो उधर शेर थे वो रोर करते थे एंड वी कुड हियर दैट दैट यूज टू वेक अस अप इन द मॉर्निंग इट यूज बी सो क्वाइट इन डेली ओके रास्ते में यू वुड बी लकी इफ यू सो वन और टू कार्स अगर हम कार देखते थे हमें देखो गाड़ी 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 <laughs> गई या hmm. yeah, और जब पहली बार मारुति 800 आया था ओए मैंने मारुति देख ली आज डेली रोड साउथ डेली रोड यूज टू बी सो क्वाइट कुछ होता ही नहीं था रास्ते पे यू नो यू वी कुड लिटरली वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन द रोड्स अगर आप आप आज आ जाकर भारती नगर के बाहर क्रिकेट खेलो कुछ नहीं मर जाओगे यार सो प्योंगयांग वॉज लाइक दैट बट देन जब मैं लोगों से बात करने लगा और उधर हिंदुस्तानी के कुर्ता पजामा पहनने जाने का क्या फ़ायदा होता है वो आपको वेस्टर्न नहीं समझते तो आपको इतना अटेंशन नहीं पे करते हैं लाइक आसानी से बात करेंगे जो आपके गवर्नमेंट माइंडर्स हैं दे ऑल्सो डोंट माइंड यू आस्किंग क्वेश्चन एंड थिंग्स लाइक दैट दे लाइक तू गोरा नहीं है ना तो अमेरिकन नहीं है ना तो तेरे को जो तेरा डांस भी करना है तो डांस कर ले नो प्रॉब्लम सो दे लाइक दे डोंट नो वट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड सो दे वेरी हैप्पी बींग वॉट दे आर ये उनको कोई हमारे से कोई बाहर से आके हमको बचाएगा इससे आई डेंट सी इट राइट सो ये बहुत ही एक ये ये जो ह्यूमैनिटीज है इसमें इतना सारा वेस्टर्न मिशनरी सोच विचार है कि ये काले काले लोग अपना ये नहीं कर सकते उनको ये hmm. चाहिए उनका आ, ये करने के लिए विच इज देन बिकम अ सॉर्ट ऑफ पोलिटिकल missionary activity hmm. support democracy chaia support uh, 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 freedom and democracy chaia and this it's it's not true hmm. it's not i I haven't seen that um, i mean make of it what you will but that's my experience yeah. colonialism could be see there is a colonialism decolonialism is total bullshit i'll tell you this Colonialism where is very good for the Americas. Hmm. Okay, uh, Honestly, even if you count for the 90% population extermination that happened. Even within about 10-15 years of the Spanish conquest, even with 90% mortality because of smallpox. Warfare within... Do you know how Native Americans used to live? Do you know what the Aztecs and the Mayas used to do to their own people? I go and... अपने व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप गूगल पे माया स्टार वॉर्स देख लीजिए नॉट लूक स्काई वॉकर वाला हाँ। वो गलेक्टिक एम्पायर वाला स्टार वार्स माया द माया सिविलाइजेशन में ये स्टार वॉर्स हुए थे हर शहर एक सिटी हर शहर एक देश होता था वो जिस तरह से जाके एक दूसरे की कत्ले आम करते थे ले आके प्रिजनर्स को अपने देवताओं को बलि चढ़ाते थे और बलि भी कैसे चढ़ाते थे क्योंकि जितना खून बहता था और जितना ज्यादा दर्द होता था बली का वैल्यू उतना ज्यादा होता था पहले उंगलियाँ निकालते थे फिर आपका आँख निकालते थे आस्ते आस्ते से वो टॉर्चर मूवीज होते हैं ना वो आ, आ, वो क्या द हॉस्टल वन एंड हॉस्टल टू उसकी तरह ये था पाताल लोग से भी ये था ओके इट अ हॉरिफिकली वायलेंट सोसाइटी And we know this for a fact because all uh, uh, this guy, what's his name, Steve Pinker, first showed that in his book, The Better Angels of mm. Our Nature. And Yuval Harari incorporated The Better Angels of Our Nature into his book. The Stone Age and the Americas were a Stone Age people. Mm. They had never even reached Bronze Age. Okay. Extraordinary violence, cannibalism, uh, because political entities' ke size were very small. Violence is 15 20% mortality rates. Insane mortality rates. The Spanish conquest reduced a lot. It brought in lots of other kinds of nonsense about mm. it. But it reduced a lot of it. Um, same with a lot of European colonialism elsewhere. बहुत सारी गंदे गंदी चीज़ भी आई उसके साथ बहुत सारे अच्छे चीज़ भी आए मैंने बोला है ना आपको हिस्ट्री इज नो बटी इज़ बिच ये डी कलोनियलिस्ट आपको बताएंगे कि सब अंग्रेज़ों ने शुरू किया था कास्ट किसने शुरू किया था अंग्रेज़ों ने शुरू किया था हाँ भाई उन्होंने जाके वरना चार चार हजार साल पहले उन्होंने वरना लिखा था हुँ. ये वे, वेदास जो है ना ये एक्चुअली ये मकौले ने लिखा था आपको पता है मकौले ने लिखा था सो ये ये ना डी कलोनियल था द बिगेस्ट बंच ऑफ शेट्स यू लेबी ये सबसे बड़ा एंड यू नो ऑल दिस डी ये पता है कहाँ से शुरू होता है इट्स नॉट इवन इंडियन कॉन्सेप्ट जो जो सब इंडिक इंडिक बकवास करते रहते हैं चूती है, ये डी कॉलोनियालिटी कॉन्सेप्ट साउथ अमेरिकन डी से शुरू हुआ है ओके okay. जो खुद गोरे थे और क्योंकि वो स्पेन से नहीं आए थे या पुर्तगाल से नहीं आए थे वो लोकल गोरे लोग थे जो नेटिव ट्राइब्स को सप्रेस कर रहे थे वो बस स्पेन को हटाना चाहते थे और खुद अपना रूल ये करना चाहते थे ठीक hmm. है सो यू रीड साउथ अमेरिकन डी और अगर आप ऑथेंटिक साउथ अमेरिकन डी पढ़ो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भाई ऐसा चूतिया कहां से पैदा हुआ है चमन चूतिया एंड ऑल ऑफ दिस इज बिन टेकन एंड ट्रांसपोज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इज आई एम लाइक भाई तूने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट भी देखा है Hmm. This is, you know, this decoloniality is like 1953 coup and Muhammad musadiq Okay, it is a stupid, low-grade Hollywood explanation of very, very complex sociological factors. Okay, okay. Morya Empire ne bhi India tha. Marathas ne bhi, Guptas kind of, but uh, Moryas and uh, the Marathas created a comprehensive empire hmm. that could have been India. But did they give us all the political tools and things to run it? No. Hmm. The British gave us that, right? Were they horrible, of course? Only India ko kiya? of course. Hmm. But every empire runs, there is no empire on earth ever. any colonial empire. Mongols become colonial. Why is European colonization this thing, but Mongol colonization is not. But anyway, there is no empire on earth. जिसने ओवरऑल अपने सिटीजन्स का बेनिफिट नहीं किया है बैलेंस इज ऑलवेज बेनिफिट इफ यू डू नॉट यू कोलैप्स लाइक द नाथसीज इज नाथसीज वॉट द डिड वॉज द जनरल थिंग वॉज नेगेटिव ऑन बैलेंस इट वॉज नेगेटिव विच इज वाई कोलैप्स ऑफ़ फास्ट राइट दस अनादर डिनेस्टी इन चाइना कॉल द सुई डिनेस्टी विच कलेप्स इज वेरी फास्ट क्योंकि उन्होंने अपने Ability se zyada... Jo Grand Canal tha... ...or Great Wall tha... ...uska jo renovation project se... ...itne expensive the, ...it collapsed rapidly. Mm. ISIS... ...overexpanded... ...collapsed rapidly. Right? Uh, so the modern state tools... ...which we get... ...are... ...from the British. Isme... ...does it reduce the value... ...of the Indian state... ...as it today? Not at all. Mm. Why? Why should it... ...affect us at all? I mean... ...for me... फैक्ट द ब्रिटिश क्रिएट द मॉडर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है hmm. पर जिन लोगों का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना बहुत ज्यादा भाई मैं ये बोल सकता हूँ ऑनेस्टली मैं यू you नो know, मैं ट्विटर पे अगर आपने देखा होगा मैं ये जोक करते रहता हूँ कि भाई तुम लोग सब बर्बर -बर थे और मेरे पूर्वज यूक्रेन से आए थे तीन हजार पाँच सौ साल पहले बहुत गोरे थे मैं अपने आप को गोरा मानता हूँ आप मेरा गंजा सर देख रहे हो पर एक्चुअली hmm. मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा एक्चुअली गोल्डन <laughs> <golden> बाल है <laughs> और मेरे आंख एक्चुअली ब्लू कलर के हैं और मेरा चमड़ा एकदम गोरा है hmm. और मेरे पूर्वज ने घोड़े पे आके आप सबको दिस होल थिंग इज आप जितने काले ही, उतने ही मैं, मैं काला हूं. Hmm. ना ही तो मैं ब्लॉन्ड हूँ ना ही तो मेरे ब्लू आइज हैं बट अपेरेंटली बिकॉज आई एम ब्राह्मिन आई एम इन्वेडर यूक्रेनियन ठीक है दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट ठीक है ब्रिटेन में कैसे एक लाख ब्रिटिश ने और थ्री हंड्रेड मिलियन तीस करोड़ ना तीस करोड़ हिंदुस्तानियों पे कैसे राज किया यू थिंक इट डिड नॉट है कॉलेब्रेशन ऑफ द लोकल पीपल बट इज इन एंड यू नो वॉट पीपल डोंट रियलाइज दिस बट हमारा जो बेंगाली हिस्टोरिकल मेमोरी है ऑफ सिराजुद्दौलाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर वी हेट सिराजुदौला सिराजद्दोला वॉज अ डी पिग वो हिंदू लेडीज को आके रेप करता था गंगा आ, 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 नदी के इसमें इतना घटिया एक इंसान था ही नहीं ब्रिटिश लिबरेटेड आस फ्रॉम मुस्लिम रूल सिराजुद्दोला पर्टिकुलरली नास्ट कैरेक्टर आप ये ट्विटर पर एक हैं सावित्री मुक्शु वो बहुत ही प्राइमरी सोर्स आ, 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 ये करती हैं आप जाके देख लीजिए जो बंगाली हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ सिराज उद्दौला है ठीक है सो द ब्रिटिश इन वे लिबरेटेड ठीक है एज अ बंगाली आई कैन टेल यू ऑनेस्टली दैट ब्रिटिश रूल वॉज वे बेटर देन रूल मीर जाफर इज माई हीरो आई विल ओपनली से दिस मीर जाफर इज माई हीरो जो मीर जाफर ने सिराज उद्दौला के साथ किया बहुत अच्छा किया जो मीर जाफर ने सिराज उद्दौला के साथ किया वही सीरियन स्टेट ने आइसिस के साथ किया था hmm. बहुत अच्छा किया One hundred percent. Sure, the Russians helped Bashar al-Assad, but I will indeed choose Bashar al-Assad and Russia over ISIS. Same day, I will any day choose. They choose Robert Clive and Mir Jafar over that big TK, uh, okay? uh Why do people forget all of this? You know, there is a good memory of Maratha rule. There is also a very bad memory of Maratha rule, which is uh, which was there was a, a lot of plunder that happened in the peripheries of the empire. Mm who consolidated rule naita to jabbi in kejo, uh, uh, charge of the logthina, uh, bhosle, Gaikwad, mm. holkar, and who's the fourth one, i forget. shinde, shinde, mm. they used to fight amongst each other. Mm. people used to die. nobody wants civil war. see, state that is stable avoids all internal conflict and it pushes all the conflict to the periphery. Mm. and what the british did was they pushed it to a natural periphery. जहां आप देख लीजिए ब्रिटिश रूल के बाद हमारे पेरिफ्री में बस बर्मीज वॉर के बाद ईस्ट एकदम स्टेबल हो जाता है नॉर्थ एकदम स्टेबल हो जाता है बस अफगानिस्तान के साथ थोड़ा थोड़ा इधर टू फ्रो टू फ्रो होते रहता mm. है पर वो भी बहुत लो लेवल है उसके बाद जो मेजर वॉर है वेयर इज द मेजर वॉर नथिंग पीपल डोंट रियलाइज वॉट अ ब्लेसिंग इट इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल बीजेपी so but that's my estimation hmm. you go ask uh, priyanka gandhi and rahul gandhi <laughs> for them narendra modi is 90% curse no 110% curse <laughs> and for them for their own pockets and everything nehru was 100% hmm. uh, a blessing no so it's very it, it's very subjective these things right i people forget yaar, you know the slave trade Ninety percent of the slave trade was black people on black people, mm. black people on black yes. people. Yes, Europeans only accounted for ten percent of the slave trade, boss. It was only the transportation from the periphery of Africa, from the from Nigeria, Benin, all those places, uh, 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 Senegambia, and all those places to America that was done by the Europeans. Black people khud apne logon ko pakad ke dalte the udar.

जांजीबार में सबसे द मोस्ट रिच मैन ऑफ सेवरल जनरेशन लिव देयर एंड हिज एंटायर फॉर्चुन स्लेव ट्रेड फ्रॉम जानजीबारियां दैट स्लेव ट्रेड was enormous ओके दूसरा सबके सब पेरिफ्री पे ऑपरेट करते थे इनर अफ्रीका में पकड़ के उनको slaves कौन देता था It was the African rulers themselves. Mm. They were horrible to each other. People don't want to talk about this. You know, there was the great rituals of uh, uh, Benin. Was it Benin? Where thousands of people used to be captured and sacrificed on one day. Narbali hota tha Sacrifice? Thousands of people? Yeah. But you've never read this, no? Yeah. Yeah. This this, this, this is the thing. They want you to know that Europeans can... Huh? बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड ने जो कॉन्गो में किया uh, लोगों का हाथ चॉप ऑफ करना hmm. और लोगों को मार डालना इट वॉज नॉट दैट उससे भी ज्यादा कुछ था डायरेक्टली स्पीकिंग उससे भी ज्यादा पता है कौन था एक बंदा था शाका जुलू ही लेट द माइग्रेशन ऑफ द जुलू ट्राइब्स फ्रॉम वॉट इज आज कल uh, उथ अफ्रीकाउट इतने बेरहमी से मारता था और जब उसका मम्मी से इतना अटैच था ही ऑर्डर अनरिस्ट्रिक्टेड किलिंग ऑफ ऑल मदर्स और सब मां गायों को मार डाला गया ताकि उसके बच्चे को शाकाजुलू का दर्द महसूस हो अपने माँ खोने का But he is considered a great hero for black people, even though he, he did not kill a single white man in his life. He only killed black people in his life. The African empires were nasty to each other. Chronic violence. Genocide. What Shaka Zulu did to the neighboring tribes, including to other Zulu tribes itself. Pure genocide. <laughs> Fir. Kya hota hai ki, मेजर कॉलोनियल एक्सपेंशन कब शुरू होता है एटीन फिफ्टी के बाद जब स्लेवरी अबॉलिश होना शुरू होता है hmm. और ये लोग क्या देख रहे थे पेरफ्री में कि भाई देखो और इंडस्ट्रियलाइजेशन फुल बूम पे है ए दे नीड दे रिसोर्सिस क्योंकि जो स्लेव्स करते थे अब मशीन कर रहा है ठीक है डिड एंड कम टू अमेरिका लेटर दे रिसोर्सेज एंड दे नीड टू लुक फॉर रिसोर्सेज उनको पता नहीं था कि अफ्रीका में रिसोर्सेज थे बट उनका ये था कि अब हमको स्लेवरी को खत्म ही करना है हमने पेरफ्री में स्लेव करना खरीदना बंद कर दिया अ वाइफ बैशर लॉजिक इन द सेंस जो वाइफ बैशर पति होते हैं वो मानते हैं कि अपने बीबी को इसीलिए थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो उसे प्यार करते हैं hmm. मेरा थप्पड़ ही मेरा प्यार है करके

या गला काटा जा रहा है इसको रुकना है ये क्या स्लेवरी है? तुम जानवर को भी हम ऐसे नहीं रखते फ्रॉम हिस्ट्री वेरी क्यूरियसली दैट इज वॉट ड्रोव कलोनियलिज्म इन टू अफ्रीका सो इट्स वेरी स्ट्रेंज नो इसलिए मैं बोलता ना हिस्ट्री इज नो बडी इज बिच अमेरिका में क्या हुआ वाइट एट द नॉर्थ अबॉलिश स्लेवरी इन द साउथ डिड नॉट बिकॉज नॉर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था hmm. अब उनको लेबरर्स चाहिए थे लेबरर्स आपको देखिए क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर आप जितना आपका लेबर मोटिवेटेड रहेगा उतना ज़्यादा अटेंशन वो काम पे पे करता है और डिफेक्ट्स कम होते जाती हैं स्लेव लेबर इज जस्ट पिकिंग कॉटन उसमें कोई डिफेक्ट होने का ये ही नहीं है ठीक hmm. है या आ, जमीन को चरना एन थिंगज लाइक दैट

स्लेवरी जो ख़त्म हुआ ना ये कोई इनके दिल के द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट के वजह से कुछ नहीं ख़त्म हुआ इनके सडन हर अमेरिकन में सडन मदर टेरेसा नहीं जाग उठी लेट्स वी जैसे मदर टेरेसा एक और ये है वो फ्रॉड <laughs> बट वो दूसरी बात है वो छोड़ दो तो ये सब देखिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं hmm. आप जो ये आ, 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 हिस्ट्री यू रीड इज बुल बी ऑनेस्ट विथ यू अगर आपको किसी ने एक हजार वर्ड में कुछ लिखने को बोला है या इवन तीन हजार वर्ड लॉन्ग फॉर्म में कुछ लिखने को बोला है आप कैसे इस कंप्लेक्सिटी को कन्वे करेंगे ट्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट विच इज वाई माई फेवरेट हिस्टोरियन इज आई फाइन युवा हरारी इज ऑलमोस्ट वेरी पेडेस्टन इन दैट वे

द मेजर ऑफ सक्सेस वाई डेवेलप वाई सोशल डिवेलपमेंट मैटर्स वाई द वेस्ट रूल्स फर नाव वॉर वॉट इज इट गुड फॉर ये तीन बुक्स आप पढ़ लीजिए आपका एक किस्म से दृष्टिकोण ही बदल जाएगा स्टीव पिंकर बेटर एंजल्स ऑफ माई नेचर ऑफ आर नेचर पर आई डोंट बिलीव अ लॉट ऑफ लेफ्ट हिस्ट्री इज़ टू डू विथ वर्ल्ड लिमिट बहुत सारे जैसे मैंने उनको बोला था वो कपटी कुलटे लोग हैं आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इस इन्फॉर्मेशन को क्योंकि uh, जब हम एंड आई एम समन जैसे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है बट नाउ आई हैव डाउट्स जो भी अब तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इज इट इवन ट्रू आई डोंट नो दे सम ट्रूथ इन इट राइट डिड अलाउद्दीन खिलजी गिव डोनेशंस टू हिंदू टेम्पल श्योर डज दैट मेक हिम अ नाइस गाय एंड नॉट अ हिंदू फोबिक बिगट एंड नॉट अ क्रूअल साइकोपैथ नो Just like I gave you the example of the Jews, those mm. 200 odd Jews who survived the Holocaust and were in fact protected by Hitler. Like the Finnish Jewish officers who got uh, uh, German war medals. One of the Yahudi's German war medal was not like the Germans. They did not like the Germans. They did not like the Germans. They said that they were going to be in Russia. They said that this is what they are doing, and this is what अगले दस साल में जो मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत निकलेगा क्योंकि वी विल फाइंड मोर हिस्टोरिकल डिस्कवरीज विल गो इवन डीपर एंड इवन डीपर डीपर एंड इवन सो इट्स वो मतलब नेवर नेवर एंडिंग एंडिंग केस केस इट्स बट जो हम बात कर रहे थे वो ये कि ईरान uh, में जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे yeah. बुरखा को लेके जो वमेन थी दे देवो प्रोटेस्टिंग yeah. सडनली वो प्रोटेस्ट गायब हो जाता है yeah. मीडिया अटेंशन भी वहाँ से निकल जाता है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड तो देखिए ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं बुरखा नहीं पहनूंगी ज अ वेरी अपर क्लास प्रॉब्लम लिमिटेड टू जो आ, जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया जैसे जे में जब प्रोटेस्ट हो रहा था वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रहा था पूरा इंडिया भड़क चुका है जब फार्मर लोगों बस पंजाब के फार्मर ने आके दिल्ली को ब्लॉकेट किया था वेस्टर्न मीडिया ने क्या बोला सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ है आ, आ, सौ करोड़ लोग आज स्ट्राइक पे हैं बोला था या नहीं बोला था बोला था न आ, इमेजिन कि हम मुंबई में हैं और मालाबार हिल्स में एक ने ए ने एसोसिएशन ने जुलूस किया है उसकी तरह। हिल्स और शायद आंतिल्ला के स्टाफ टेक्निकली वी शुड बी लुकिंग एट आंतिल्ला आंतिल्ला स्टाफ ने मुकेश भाई के खिलाफ झंडा फहराया लिटरली दैट इज द नंबर ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग ओके कुछ नहीं सब बकवास ये एक बहुत एरीट प्रॉब्लम है मोस्ट लोगों को आई मीन इवन माई फ्रेंड्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जाके ढकना है तो ढक के जा रहे हैं ठीक है अब क्या है hmm. बाकी तो मैं कर सकती हूँ ना सो so, ये बहुत एक वेस्टर्न मीडिया इज फोकसिंग ऑन वेस्टर्न मीडिया वॉन्ट टू फोकस ऑन बिकॉज टेक्निकली अगर वेस्टर्न मीडिया को देखोगे तो हिंदुस्तान में अभी जेनोसाइड चल रहा है राइट right. आपको पता है वो जो जब मैं आ रहा था इधर थाने में वो आ, राइट साइड में वो आपको चिमनीज देख रहे थे ना वो आप क्या पावर स्टेशन समझ के आए हो वो? वो गैस चेम्बर हैं <laughs> उनमें मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है पता है आपको <laughs> अरे न्यूयॉर्क टाइम्स तो यही लिखेगा ना राइट वाशिंगटन पोस्ट तो यही लिखेगा ना दिस इज लाइक दैट प्लीज डोंट टेक द वेस्टर्न प्रेस सीरियसली ऑन एनी मेरा पाद उनसे ज़्यादा सुगंधित है जिनका उतना रिपोर्टिंग है ठीक <laughs> है बिगेस्ट बंच ऑफ क्लाउंस एंड जोकर जो सीरियस प्रोटेस्ट हुए थे वो लगभग सात आठ साल पहले हुए थे जहां पहली बार जैसे मैंने बोला था ना ईरान एक मैनेज डेमोक्रेसी है हमने सेलेक्ट hmm. कर दिया hmm. दोनों बंदे मेरे हैं ठीक है दिस इज लाइक कांग्रेस के जो इलेक्शंस होते हैं ना मल्लिकार्जुन खारगे और मल्लिकार्जुन खारगे आप ही सो यू कैन चूज Uh, uh, उसकी तरह हैं uh, और उधर क्या हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइस राइज एंड होल लोड ऑफ थिंग्स एक्चुअल लोग जो थे ऑर्डनरी पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स इट वॉज स्टूडेंट्स एंड एलिट्स कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स ठीक है इस बार भी जो हैं जो ये प्रोटेस्ट हैं इट इज़ ओनली द एलीट्स कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स ओके जो टू बी फेयर कई ऑर्डनरी लोग भी निकले रास्ते पे hmm. पर उनका डिमांड हिजाब नहीं था ओके। okay. उनका डिमांड जो आर्थिक स्थिति जो ईरान है hmm. उसके खिलाफ था ठीक है पर ये आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि सब लोग उसी वजह से आए हैं hmm. जैसे आपने देखा होगा कि बाग में जब इंटरव्यू किया गया आप क्यों आके ये कर रहे हैं आपको सीए क्या है नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दीपल डिट सी डिड नॉट नो वॉट एनआरसी वॉज बट हियर इट वॉज एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट ही देट इवन प्रोटेस्टिंग फॉर हिज आप देव प्रोटेस्टिंग फर लॉस अदिंग क्योंकि ईरान की जो आर्थिक स्थिति है आपका इतना सेंक्शंस है और आप लेबनान uh, और सीरिया का सिविल वॉर भी लड़ रहे लेबनॉन का डिफेंस अगेंस्ट इजरेल और सीरियन सिविल वॉर लड़ hmm. रहे थे उस टाइम जब और उस टाइम सीरियन सिविल वॉर पीक पे था hmm. uh, और ईरान इतना सारा पैसा भेज रहा था इतने अपने ट्रूप्स भेज रहा था उधर

तो ये चाहते क्या है यहाँ के लोग इट्स जस्ट लाइक इंडिया इंडिया में देखिए एक जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था दिल्ली में एक इंडिया होता है और दिल्ली के बाहर एक भारत होता है <laughs> वैसे तेहरान में एक परजिया होता है और तेहरान के बाहर एक ईरान होता हुँ. है तो तेहरान और इस्फहान में जैसे वैसे हमारा जो आ, लटियंस डेली है वही आपका मालाबार हिल्स है ना या hmm. आजकल बैंड्रा भी है बैंड्रा भी उसी टाइप का होता हाँ. है ना आजकल तो बैंड्रा का एटीट्यूड भी थोड़ा सोबो की तरह हो गया आपके है ना बिल्कुल वही मैं सुनता आई डोंट नो इफ दैट दैट इज इज ट्रू तो सोबो प्लस वो कहते थे ना सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा हाँ आ, तो वो सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा एंड पता नहीं कौन आ, वाडिया फ्रॉम मालाबार हिल्स आर जस्ट लाइक लीला मीना एंड नीना फ्रॉम औरंगजेब रोड पृथ्वीराज रोड एंड अमृता शेरगिल मार्ग इन डेल ठीक है ओके okay. और बोट क्लब इन मद्रास तो इसमें क्या होता है ये लोग आए हैं और ये इनका एक एंड इन ईरान इट इज शेमिरउट तेहरान में भी ये डिविजन है ठीक hmm. है उनको चाहिए कि सैंक्शंस खत्म हो दे टू टेक देयर आइसोलेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ये अपने आप को जैसे मालाबार हिल्स तो ऑर्डनरी बात नहीं करता है उनका ये होता है कि क्लाइमेट चेंज ग्रीटा थुनबर्ग ने क्या अपने शूज को अपने हैंड के साथ मैच किया ठीक है वेर एज अ फेलो लिविंग इन डोम्बीविली और मुलुंड और थाने हाँ थाने और जनकपुरी और रोहिणी इन डेली आ, वो क्या सोचता है कि आज एकता कपूर के सीरियल में कौन सी आ, 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 कौन सी सास कौन से बहू को मार डालने वाली है किस केरोसिन लगा के मारेगी या वो क्या वो पर्दे में वो गोल के गोल जाके पर्दा में जाके फांसी का ये लगा देती है वो वो देख रहे हैं ठीक है तो यही है ईरान में ओके सी एवरी बटी हेज़ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू थिंग्स तो ईरान में देर आर पीपल हु लिव अप इन दीज वेरी पॉश सबर्ब्स ताजरीश में अगर आप जाके कई घर देखोगे mm -hmm. बॉस उसकी तरह औरंगजेब रोड पे भी नहीं आज कल अब्दुल कलाम मार्ग है उस पर भी नहीं है वैसे वाले mm -hmm. घर uh, मालाबार हिल्स में भी वैसे घर नहीं है उधर आप एक्सेस का मतलब ही नहीं जानते हो एक्सेस का भी एक्सेस एक्सेस का बाप है ठीक <laughs> है बट यू गो टू द रेस्ट ऑफ तेहरान यार वो अपना काम करना चाहते हैं दे लाइक like, यार तुम रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो तुम ये कि सब क्यों कर रहे हो मेरे को जाके अपने बैंक में अपने सैलरी लेना है hmm. ये करना है वो करना है ठीक है इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल सोसाइटी इन दैट सेंस गोइंग थ्रू बहुत सारा उनका आर्थिक तनाव है और हमेशा आर्थिक तनाव की वजह से सामाजिक तनाव पैदा होता है ठीक है uh, जब अर्थव्यवस्था अच्छा होता है तो सामाजिक तनाव होता नहीं है मैं नहीं बोलूँगा वो सामाजिक तनाव होता है पर वो सामाजिक तनाव पे थोड़ा Uh, uh, काबू रहता है पर hmm. जब आर्थिक तनाव पैदा हो जा बहुत ज्यादा हो जाता है जो तो जो काबू था सामाजिक तनाव पे वो उबड़ hmm. है ना सो दैट इट्स इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग यू नो तेरान दैट वे इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेली और बॉम्बे इन देंस इट्स एक्चुअली मच क्लीनर देन स्पेशली क्लीनर देन बॉम्बे आई कैन टेल यू दैट बट इट्स क्लीनर देन डेली प्रॉब्लम क्या है उनका कि जो सरकार है थोड़ा पागल सरकार है उधर ये ना आ, उस किस्म का अरविंद केजरीवाल है <laughs> देखिए क्या है कि राहुल गांधी भी इतना गाली नहीं देता है हुँ. लोगों को ठीक है राहुल गांधी भी थोड़े बहुत काबू में रहता है मोदी तो किसी को भी गाली नहीं देते मोदी इज़ नॉर्मल हेड्स ऑफ स्टेट एवरीवेयर किसी को गाली नहीं देंगे कोई डिस्टर्बेंस आई मीन कोई तनाव है दोनों देशों के बीच बैठ के भाई बताओ क्या प्रॉब्लम mm -hmm. है सॉर्ट आउट कर देते हैं राहुल गांधी क्योंकि पावर में नहीं है थोड़ा ऐसे वैसे बात करता है उल्टा सीधा गॉड फॉर बिट ही कम्स टू पार इज आई थिंक इज अट जॉब दैट्स अ डिफरेंट मैटर ही विल ऑल्सो काइंड ऑफ बी मे बी बीस्ट्रीड अरविंद केजरीवाल क्या बंदा है यार इवन आफ्टर बींग चीफ मिनिस्टर एल जी ये है ही ट्वीटेड ना मोदी इज अ साइकोपैथ एंड वॉट नॉट थिंग्स लाइक दैट एग्जैक्टली दैट और जो ईरान के जो जिहादिस्ट हैं वही एपटार्ड्स की तरह माथा फेरा है उनको लगता है कि जो उनका बंदा है वही खुदा का फरिश्ता है खुद साक्षात खुदा ही है, <laughs> जिले इलाही हैं <laughs> जमीन पे अल्लाह का परछाई है धरती पे, एंड वो जो बोलेंगे वो हमारे लिए जिहाद है ठीक है बट इन ईरान वन थिंग इज़ देयर जो सोशल कंट्रोल है द वे दे मॉनिटर हर जो रास्ते में एक मॉस्क होगा जिसमें एक मुल्ला होगा जो पूरे स्ट्रीट पे निगरानी रखता है एग्जैक्ट सेम वे जहाँ बंगाल में बोध तक कम्युनिस्ट नाउ द टीएमसी क्लब्स इस्तेमाल करते हैं वो क्लब का जो प्रेसिडेंट है ना उसको पता है कि मेरे स्ट्रीट में मेरे मोहल्ले में कौन कौन है कितने बच्चे काम काम करता है आके टीएमसी के लिए वोट करेगा नहीं करेगा इसका प्रोक्लिविटी क्या है ये सब वो रखा जाता है और उधर रजिस्टर होता है okay. आपने फ्राइडे को आके क्या अमेरिका मर जाओ करके मार बार अमेरिका द द थिंग डेथ टू अमेरिका इज मार बार अमेरिका hmm. मार बार अमेरिका नहीं बोला आपने तो आपका आप पोलिटिकल uh, पोजीशन के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते सो एनी टू जॉइन पॉलिटिक्स एनी बडी हुल अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है आपको पोलिटिकल रिकमेंडेशन चाहिए वो सब करने के लिए आपको पहले अपने स्ट्रीट इसका रिकमेंडेशन चाहिए तो वो hmm. सब आपको करना पड़ता है so hmm. uh, मैं आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट यू इट्स एक्चुअली नॉट कंट्रोल्ड बट इट्स देखिए ऐसे समझ लीजिए आई वुड से मुस्लिम्स इन इंडिया ज्यादा कंट्रोल्ड हैं देन Hindus इन in इंडिया कैसे मैं hmm. बताता हूँ इट इज नॉट deliberate कंट्रोल इट इज़ नेचुरल कंट्रोल कैसे बताता हूँ मैं आपको हिंदू कोई ये नहीं है कि वो कब मंदिर जाएगा जब जाना चाहता है जाएगा नहीं, नहीं जाना चाहता है तो नहीं जाएगा वो उसकी पर्सनल मर्जी है कि, कि किस दिन किस मंदिर को जाएगा शायद मंदिर ही ना जाए एक दिन शनि देवता को उसको करना पड़ेगा एक दिन शिव जी को करना पड़ेगा एक दिन विष्णु को करना पड़ेगा पता नहीं क्या क्या हु? इधर क्या होता है कि हर फ्राइडे आपको आप पाँच बार प्रे कीजिए ना प्रे कीजिए अपने घर में नोबड़ी रैली कैस एक्सेप्ट में बी और मम्मी पापा Like, you know, इधर भी अगर बेटे ने चिकन खा के आ गया <laughs> एक ये लगेगा सो बट फ्राइडे को जबरदस्ती आपको मॉस्क में कॉन्ग्रीगेट सी द कांग्रीगेशनल नेचर ऑफ क्रिस्टियनिटी ओके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद चला गया था क्रिस्टियनिटी hmm. में जो अभी भी अफ्रीकन क्रिस्टी में है विच इज बाई अफ्रीकन क्रिस्टियनिटी इज वेरी रेडिकल राइट एज ऑपर्स टू यूरोपियन क्रिस्टियनिटी विच इज पोस्ट क्रिस्टियन ऑलमोस्ट वो इधर है हर फ्राइडे को आपको कंग्रेगेट ही होना है सोशल प्रेशर है एंड नाउ गवर्नमेंट प्रेशर भी है यूजिंग सोशल प्रेशर इट गवर्नमेंट प्रेशर ओके ठीक है एंड उसको आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं सो इट्स अ वेपनाइजेशन ऑफ कॉन्ग्रीगेशन अब वो हिंदी में कैसे बोलूंगा पता नहीं बट जो जो नेचरी होता है उसको आपने एक अस्त्र बना दिया एक किस्म hmm. से जैसे कि सास भी कभी बहू थी में बहू को वो दूसरी वाली चुड़ैल Uh, सास अच्छा नहीं लगता है ठीक है एज इन दे डोंट नो अदर और आप जाके इसको फुसफुस -फुस करके बोलते हो पता है वो आपको आज केरोसिन लगा के जलाना चाहती है तो आपको भी वो गुस्सा आ जाएगा ना हुँ. तो ऐसे करना सो इट इज़ कंट्रोल्ड एंड नॉट कंट्रोल्ड पर हिंदुस्तान में भी देख लीजिए आप अगर बोलेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको uh, टिकट देने से पहले आपको थोड़ा वेटिंग करती है ना वो एक फॉर्मल वेटिंग प्रोसेस की तरह थिंक बट इस्लामिकोर्स दे नॉट इजरलोर्स वी टेक आ फ्रीडम्स फॉर ग्रांड बट ईरान इज लेट मी पुट इट दिस वे आई वॉन्ट सी इी सोसाइटी नथिंग कंपेर्ड टू इंडिया फॉर श्योर इंडिया इज वे वे आई मीन इंडिया इज आई आई मैं तो बोलूंगा कि हिंदुस्तान हमारे जो फ्रीडम्स हैं वो शायद अमेरिका से भी थोड़े ज़्यादा हैं ओके okay. बट uh, ईरान ईरान जो आप आप बॉलीवुड हॉलीवुड में में देखते हो हो hmm. वो एक वहम है इट लाइक दैट बहुत कुछ कर सकते हो में। जैसे आप हिंदुस्तान में भी काफी कुछ कर सकते hmm. हैं पर हिंदुस्तान में आप काफी कुछ ज्यादा कह सकते हैं hmm. उधर लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि आप बाकी सबके बारे में बात कर सकते हो पॉलिटिक्स के सवाए okay. उसमें आप फंसेंगे जब ये अभी रिसेंटली उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक किया था ऑन इसराइल वट वॉज द पर्पज़ क्योंकि आई थिंक सो कुछ वो डेटा आया था नाइन्टी नाइन परसेंट तो वो हुआ ही नहीं सो सो अगेन ये देखिए ये बोलेंगे हाँ नाइन्टी नाइन परसेंट नहीं हुआ बस सात सात या नौ मिसाइल गिरे थे इसराइल पर और वो भी किसी को मारा नहीं हाँ। आ, बस एक मिसाइल का डिबरी जो था वो एक अरब लड़की पे गिर के अरब लड़की मुसलमान अरब लड़की को मारा वो बोलते हैं कि क्योंकि इसराइल ने हमारा डमास्कस में दमिश्क में हमारे एम्बेसी को टारगेट किया था और उसमें हमारे मेजर जनरल्स मरे थे पर वो उधर क्या कर रहे थे सीरिया का तो जो सिविल वॉर है वो ख़त्म हो गया है उधर क्या कर रहे थे वो इसराइल पे हमला करने की जो हिजबुल्ला सब कर रहा है वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे और कई इसराइली मरे भी हैं तो इसी वजह से उधर स्ट्राइक किया गया अब आप इसको पूरा पीछे ले जाइए इफ़ यू वांट रूट कॉज इसराइल के साथ सिंगल हैंडली किसने रिश्ता बर्बाद किया ईरान ने। hmm. ने जब खोम आया था इसराइल ने बोला हम आपको भी कोऑपरेशन करेंगे आपको जो चाहिए मांगिए मिसाइल्स चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट मांगिए वेपन चाहिए हम आपको देंगे तो कुत्ता है तो कमीना है मर जा शैतान के नाजायज़ औलाद <laughs> मर जा तो शैतान ने ऊँट के साथ <laughs> हेरा फेरी करके तुझे पैदा किया है इसीलिए तेरा मुंह तेरा पैर ऊँट की तरह है और तेरा चेहरा आ, इसकी तरह है करके उन्होंने ये किया था सिंगल हैंडेडली इसलिए डिड नथिंग टू द इानियंस उनका तो गैस पाइपलाइन वगैरह भी कुछ था ना? होना था बट hmm. hmm. uh, कुछ नहीं हुआ दैन क्या हुआ कि जब ये जो हमने टेररिज्म की बात की द सुसाइड बॉम्बिंग इन थिंग्स लाइट दिस बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम बम से लोगों के एसेट्स भी कर सकते हैं तो पहले क्या बॉम्ब हुआ लाइक आई टोल्ड यू दीकर्सर टू हिस्स बुलाइट शिया मिलिटेंट्स हु वेंट एंड मिलिटेंस जो बैरूट में जो अमेरिकन एम्बेसी था उसके बाद आई थिंक इट वॉज आई थिंक आई एम नॉट टू थिंकोर बट इट वॉज आई मीन इट वॉज इरान हेल्प बाई इरान पहला जो डायरेक्ट स्ट्राइक उन्होंने इसराइल पे किया वो 1992 में था और तब तक इसराइल ने इनको कुछ भी नहीं किया था उन्होंने जाके बोनस आईरेज में जो यहूदी कल्चरल सेंटर था जो इसराइली एम्बेसी का जो एडजंक्ट था उस पर हमला किया जिसमें कई सारे लोग मरे और उसमें जो इसराइल के जो इधर राजदूत थे डैनी कारमोन उनकी पहली बीवी उसमें मरी थी ओके तीस चालीस लोग उसमें मरे थे तो uh, इसराइल ने भी काफ़ी फिर घुसपैठ uh, शुरू कर दिया ईरान uh, uh, के ख़िलाफ़ uh, इधर बम चलाना उधर टेररिस्ट को सपोर्ट देना ये सब और फिर ईरान अपना न्यूक्लियर पाथ शुरू किया तो फिर इसराइल ने और अमेरिकन ने बोल दिया इसराइल की तो डायरेक्टली हमला नहीं करेगा mm. तो इसराइल ने क्या किया उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टपकाना शुरू किया अन नोन मैन जो अभी हो रहे हैं ना कैनाडा और यूके uh, में वही अन मैन इसराइल ने थोड़ा किया था उधर साइक्लिक बट इसमें क्लियर रूट कॉज आप दिखा सकते हो कि ईरान ने ही ये शुरू किया था जो ईरान और इसराइल के बीच चल रहा है ओके ईरान डिस्ट्रॉयड द रिलेशनशिप विद इसराइल फॉर नो रीजन अदर देन यू नो इस्लामिक सॉलिडरिटी बिकॉज दे रियलाइज कि अरब्स अब हमको शिया सुन्नी में बांटने वाले हैं hmm. ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं तो

You, you accept our foreign policy interests as your hmm. foreign policy interests, align karlo sab right. interests ko. It, It's more, sabko ek coalition hmm. aana in that sense. Hai. so it's like that. So Iran ne hi shuru tha ye. and uske baad ye violence bhi Iran ne shuru tha against the uh, Israeli uh, hmm. uh, embassy in uh, uh, Buenos Aires. So what? वॉट इज़ इसराइल्स फॉल्ट आउट यर इसराइल्स ओनली फॉल्ट इज कि हम खुद अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और ठीक है अब तूने शुरू किया अब तेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे hmm. तो ये एक साइकिल चीज़ है ये साइकिल पूरा चला रहा है okay. but बट देन जब ये मिसाइल स्ट्राइक किए ईरान ने hmm. उन्हें पता नहीं था कि मतलब क्योंकि आई एव जो न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह आई थी उसमें दे वो एक्सपर्ट्स हुआ सही कि मे बी ईरान को पता था कि इससे कुछ होगा नहीं बट स्टिल दायर ईरान असली में डैमेज करना चाहता था मतलब इंटेंशन था इंटेंशन तो था इंटेंशन उनका पूरा का पूरा था एंड इसराइल अपने आप से अगर करता तो शायद डिफेंड ना कर पाता क्योंकि कई सारे जॉर्डनियन अमेरिकन और ब्रिटिश फाइटर एयरक्राफ्ट जो इराक से ऑपरेट कर सकते हैं जो कुवैत से ऑपरेट कर सकते हैं जो बहरेन से ऑपरेट कर सकते हैं और जॉर्डन से ऑपरेट कर सकते हैं उन्होंने ही काफ़ी सारे रोके थे और बाकी के जो आए थे वो इस्रेल ने रोके थे ओके ठीक है सो इट इज वेरी क्लियर कि ईरान डैमेज करना चाहता था हुँ. अब ये होता है कि मैं अब आपको थप्पड़ मारने के लिए उठ गया लगाई भी और आपने वो सलमान खान की तरह <laughs> ए मोटू करके मेरा हाथ रोक दिया मेरा हाथ ऐसे आ रहा था ए मोटू करके आपने ऐसे करके रो, रोके याद रख मैं करना चाहता था तो मैं कर सकता था ऐसे <laughs> करके ये वो रजनीकांत स्टाइल हाँ, होता हाँ. है ना वही है ओके बट <laughs> okay. uh, आपने भी जो कहा कि मिडिल ईस्ट में कई सारे पावर्स हैं जिन्होंने इसराइल को हेल्प किया अगेंस्ट ईरान लाइक एंड अभी नहीं बहुत टाइम से हेल्प कर रहे बट देन ईरान वांट्स कि वो वहां पे एक सोल पावर बन के उभरे मुस्लिम पावर सोल पावर भी नहीं बोलूंगा देखिए ये सोल पावर ना ये एक बहुत नाइन्टीन सेंचुरी कॉन्स्ट्रक्ट है हुँ. मैं बोलूँगा ट्वेंटी सेंचुरी में ईरान क्या देखता है कि वो रीजनल हेजेमोन बन जाए किसान जो चाइना चाहता है था हाँ पर देखिए चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है ना वो बहुत ऑब्सुलीट है चाइना में बोलूँगा ह्यूमैनिटीज और इंटेलेक्ट के ओर से जो वो चाहता है अपने रीजन के लिए वो एक बहुत प्री इंडस्ट्रियलाइज विजन है प्री इंडस्ट्रियल में ये पैरामाउंट पार होता था ना उसकी तरह है पोस्ट इंडस्ट्रियल में होता ही नहीं है जैसे आप देखोगे जब रोम रोम था तो रोम के पास कुछ भी नहीं था हुँ. जब चीन चिन डिनेस्टी में था तो उसके पास कुछ भी नहीं था राइट right. ठीक है बर्बर होते थे इधर उधर बट एम्पायर बस एक ही होता था उधर ठीक है मैक्सिमम एक और होता था बट चाइना uh, का बहुत अभी भी वही सोच विचार है ईरान का ये सोच विचार नहीं है मच मोर सोफिस्टिकेटेड उनके जो ह्यूमैनिटीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है वो क्या चाहते हैं कि जनरली अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में ओवरऑल जो हम सोचते हैं वो आप भी सोच लो हमारे साथ अपना फॉरेन पॉलिसी अलाइन कर लो और जब वो हो जाएगा उनका जो ऑटोमेटिक जो ये हॉस्टिलिटी है सबके खिलाफ वो ऑटोमेटिकली शायद कम हो जाएगा द पॉइंट इज व्हाई शुड एनी बडी अलाइन विथ यू आर इंटरेस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरेस्ट तो तुम तुम अपने आप को गोली मारो मैं क्यों गोली मारू राइट hmm. right? उनको एक किस्म से मैं बोलूँगा उनको वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर चाहिए और थोड़ा बहुत टेरिटोरियल एम्बिशन भी मैं रूल आउट नहीं करूँगा hmm. वो चेक में रखेंगे एक किस्म से इराक भी उनका कॉलोनी बन गया है ना बिकॉज इट इज़ अ शिया मजोरिटी विच इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली कंट्रोल्ड बाय ईरान बट यू डोंट फील बाहर hmm. अगर आप देखेंगे आपको इराक इराक ही लगेगा इराक में अमेरिकन प्लेन्स कैन ऑपरेट ईरान दे कैन नॉट ऑपरेट राइट सो काफ़ी इंडिपेंडेंस है बट टेक्निकली जो इराक बन गया है उनके लिए लगभग वो सभी को एक किस्म से वो इराकाइजेशन करना चाहते हैं आई वुड से दैट इज देयर फॉरेन पॉलिसी गोल ओके तो उनका काफी एक आई वु सोफिस्टिकेटेड क्योंकि ये ना सबके सब सबके साथ झगड़ा करना इज नॉट अ सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी बट मैं ये जरूर बोलूँगा कि उनका फॉरेन पॉलिसी दृष्टिकोण से चीन से तो काफी ही मॉडर्न है चीन का जो फॉरेन पॉलिसी है ना क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं Uh, मैंने पाद नहीं मारा ये एक्चुअली एक एंटी कलोनियल स्टेटमेंट था मेरा क्योंकि क्या होता है मेरा पेट एकदम सही था और उसमें जब कॉलोनिस्ट आए उसमें तनाव उभरना शुरू हुआ और प्री कलोनियल में गैस नहीं आता था पर क्योंकि आप कलोनियल चीज़ें खा रहे हो जो पहले हमारे पूर्वज नहीं खाया क्या करते थे अगर हम पालक और चावल खाते कुछ नहीं होता तो क्योंकि आपने पिज्जा खाया ये चीज़ हमारे कल्चर के खिलाफ है इसीलिए गैस पैदा हुआ और ये पाद जो है ये मेरा प्रोटेस्ट है जैसे जे में बोलते हैं आजादी आजादी ये मेरा डी प्रोटेस्ट है आई हैड मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने एक दूसरे पॉडकास्ट पे कही थी विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन आपने कहा था कि पैलेस्टीन जो वर्ड है इसका उस रीजन में मेंशन भी नहीं हुआ था कहीं पे। 1967 नहीं 62 63 में till then, कोई भी पैलेस्टाइन के बारे में बात नहीं करता था आपको पता है वेस्ट बैंक जो था जॉर्डन ने कभी उसको पैलेस्टाइन नहीं बोला है हुँ. वो हमेशा बोलता था ये ट्रांस जॉर्डन है ये जॉर्डन का पार्ट है राइट ट्रांस जॉर्डन वर्ल्ड ये 87 में ही उन्होंने माना कि भाई ये जॉर्डन नहीं है ये एक्चुअली पैलेस्टाइन है ठीक है क्यों पता है आपको क्योंकि जो जॉर्डन में रहते हैं अगर आप जॉर्डन गए हैं आपको पता होगा ये एक बहुत ही नॉन अर्बन एरिया था जिसमें पूरे के पूरे बेदू रहते थे बेदुइन जो उधर के नोमैड्स होते हैं और जो पेलेस्टीन पॉपुलेशन था वो बेदू नहीं थे हुँ. वो सेटल्ड अर्बन पॉपुलेशन था और जॉर्डन में वो जो जब इसल हुआ उसका जो पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टी जो, जो इधर आया सेवेंटी परसेंट ऑफ जॉर्ड पॉपुलेशन पैलेस्टी सेवेंटी परसेंट ठीक है तो उनको ये था कि भाई तुम इतने सारे हमारे आए हो तो तुम्हारा जमीन भी हमारा है ठीक है सो दे ऑलवेज कंसिडर इट टू बी दिस थिंग गाजा वॉज है ये सब अफवाह फैलाया गया है क्योंकि 1967 में जब साइनाई पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था साइनाई ही इसराइल के तीन गुना बड़ा है तीन गुना उनके साइज़ का उन्होंने दो गुना बढ़ा है तो आ, टोटल में इसराइल ओवरनाइट तीन गुना दस दिन के अंदर तीन गुना उसका साइज़ बढ़ गया जब इसराइल ने साइनाई वापस किया और साइनाई के नेगोशिएशंस में भी पता है आपको सात साल लगे सात साल हाँ 73 में वॉर ख़त्म हुआ और सदात फिर फ्लाई करके इसराइल जाते हैं इट टुक सेवन ईयर्स आफ्टर दैट टू फिनिश द नेगोसिएशन कम्पलीट सिक्स सेवन ईयर सिक्स सेवन ईयर एटीज्लीटोशिएशन सेवनटी नाइन वॉज वन अकॉर्ड वाइंड नॉट दैट इज़ वॉट हैपन्ड नाउ उन्होंने बोला आप गाज़ा भी ले लो इजिप्शंस ने बोला भाई माफ़ कर दे हमको चाहिए नहीं तू ही रख दे और वो फिर बना जो इजिप्ट ने टट्टी करके रखा था और जो जॉर्डन ने पाद मार के रखा था वो मिलके बना पैलेस्टाइन okay. हो आप लिटरली मैं ये जोक भी नहीं कर रहा हूं उन्होंने बोला कि भाई हमको ये सरदर्द चाहिए ही नहीं तुम ले लो क्योंकि फिर क्या हुआ कि जॉर्डन कुड देन टर्न टू इट्स ओन पॉपुलेशन एंड से भाई देख तू डिसाइड कर ले अगर जॉर्डन में रहना है तो जॉर्डेनियन बन तेरे को पैलेस्टीन होना है तो तेरे को रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा या वापस हम्म ठीक है सो छूट दम परफेक्टली क्योंकि पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डन का कैसे थैंक यू किया था पता है उनके राजा को मार के निकालने की कोशिश की थी ओके या इट वाज कॉल्ड द ब्लैक सेप्टेम्बर इवेंट दे ट्राई टू टेक ओवर द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन दाई टू किल द किंग एंड गेट रेड हिम ओके सो जो जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज नॉर्थ में गए लेबनान में जैसे हुँ. मैंने बोला 1921 से सेंसस नहीं हुआ है कंप्लीटली स्क्यूड उधर जो डेमोग्राफिक बैलेंस था सडनली पहले क्या होता था क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में होते हुँ. थे फिर सुन्नीस फिर शिया उधर जाके उन्होंने सुन्नी का पॉपुलेशन इतना बढ़ा दिया डायरेक्ट रीजन की उधर लेबनी सिविल वॉर हुआ जिसमें लाखों लोग मरे इंटायरली बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीन गोइंग देयर जहां भी पैलेस्टीनियन गए हैं उन्होंने उधर कब्जा करने की कोशिश की है और तनाव पैदा किया है तो ये पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन नाम तो इस्तेमाल होते रहा वैसे अरबी में पैलेस्टाइन होता ही नहीं आपको पता है अरबी में पैलेस्टाइन नहीं होता द फर्स्ट टाइम द वर्ड पैलेस्टाइन इज यूज बाई द रोम वही एक कलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट है पैलेस्टाइन <laughs> हाँ क्योंकि क्या था कि आ, जो आ, नेटिव सेमिटिक लोग थे उनका एज में थोड़ा सा रिप्लेस जब एज कलेप्स होता है ग्यारह सौ सतहत्तर बीसी में यानी कि तीन हजार एक सौ सतहत्तर साल पहले जो एज कलेप्स हुआ था उसमें से ये कई सी पीपल आके ये इसराइल के कोस्ट में सेटल हुए और उनका नाम था पिलिश्तू ओके okay. और इन्हीं का नाम इजिप्ट में भी रिकॉर्ड किया गया है पेलेसेथ और ये भी लोकल नहीं थे ग्रीस से आए थे यूनान से आए थे साले सो मच फॉर बीइंग नेटिव कम से कम उस टाइम यहूदी तो उधर रह रहे थे यहूदी के पूर्वज उधर रहते थे, थे पर अगर आप मानो भी कि पेलेस्तु नेटिव नहीं थे वो भी यूनान से आए थे ठीक है तो पेलिस्तू आके इधर सेटल करते हैं अब पेलेस्तू का क्या होता है कि क्योंकि उनके यहूदियों के साथ तनाव होता है फैक्ट पैलेस्टाइन इफ़ यू टू कंसिडर पैलेस्टाइन जो उनका एक पेंटेपुलिस होता था hmm. पेंटेपुलिस माने पांच शहर पिलेथ का पांच शहर था जो लगभग गाज़ा के ही साइज है ओके okay. और वो उस दिनों के जो इसराइल और जुदा था उसके साथ कांस्टेंट तनाव था एंड फाइनली द यहूदियों ने पूरा उसको कैप्चर hmm. कर लिया था ठीक है और उस टाइम से क्योंकि उनके मेमोरी में वो डेविड और गोलायत और ये सब स्टोरी है ना बाइबल में बड़े सबसे बड़े विलन आ, आ, ये फिलिस्टीन पिलिश्तू होते हैं अब उनके भाषा में हिब्रू में पिलिस्तु माने दुश्मन क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेशन था दुश्मन जैसे बंगाली में अगर आपको किसी को उल्लू का पट्टा बोलना है आप पता है क्या बोलोगे आई कि क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे आपकी आपने की उजबुक न की सो इट्स लाइक दैट राइट सो बेसिकली जो मैं यहाँ पे जानना चाहता था आपसे वो ये कि पैलेस्टीन का तो उस रीजन में कहीं पे भी मेंशन भी नहीं होता बट वहाँ के लोगों को फिर क्या ये मतलब दे आर दिस लेवल ब्रेन वॉश्ड की पैलेस्टीन दे आर कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड बॉस देखिए पैलेस्टाइन सो कॉल्ड पैलेस्टाइन में भी तीन ट्रेजेक्ट्रियाँ रही हैं टिल hmm. 1967 hmm. ये अपने आप को अरब्स मानते थे hmm. ये गाजा अपने आप को इजिप्ट के साथ जोड़ना चाहता था वेस्ट बैंक अपने आप को जॉर्डन के साथ जोड़ना चाहता था जॉर्डन मानता था कि पूरा इसराइल हमारा है hmm. और इजिप्ट मानता था कि जॉर्डन इसराइल ले लेगा ले और हम जॉर्डन को ले, ले लेंगे hmm. जैसे हमने बात किया था ना वो रिपब्लिकन वर्सेस मोनार्की जो चल रहा था राजवाद वर्सेज uh, 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 गणतंत्रवाद तो ये चल रहा था ठीक है फिर दूसरा आया जब 67 में जो इजरायली ऑक्यूपेशन शुरू हुआ राइट right. ये इतना गरीब था इसराइल ने उसको ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड तो नहीं बनाया पर सेकंड वर्ल्ड बनाया जो इन्फेंट मोर्टैलिटी थे जो बच्चे मरने का रेट है एकदम कम कर दिया जो हेल्थ सर्विसेज थे एकदम ज़्यादा कर दिया जो पानी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ था पूरा का पूरा प्रोविजन कर दिया था ठीक है तो ठीक है वेस्टर्न यूरोप की तरह ना ही सही पर कम से कम ईस्टर्न यूरोप की तरह तो बना ही दिया था उसको ठीक है और तब तक सब कुछ कंट्रोल में था फिर क्या हुआ कि 1992 या 3 में ये जब ऑस्लो अकॉर्ड साइन होते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट आता है यानी कि उनको एक किस्म पूरा आजादी नहीं आधा आजादी मिलता है तब से इनका एक ही मकसद रहा है कि हम पूरे इसराइल को ओवर पॉपुलेट कर देंगे तब से इनका जो बर्थ रेट है सात आठ के करीब है यानी कि हर माँ सात आठ बच्चे पैदा कर रही है क्यों एक ही मकसद से उसका बेहतर हेल्थ नहीं उसका बेहतर कुछ भी नहीं बस ये है कि पूरे जो वे, वेस्ट बैंक प्लस गाजा प्लस इसराइल उसमें हमारी आबादी यहूदियों से ज़्यादा होना चाहिए डेमोग्राफी so, exactly. चेंज और ये हमसे हर, हर बार जब हम गाजा गए हैं और वेस्ट बैंक गए हैं साइड में यही बोलते हैं देखो क, क, अगले पंद्रह बीस साल में हम मेजोरिटी बन जाएंगे हम तो बोलेंगे हाँ हम इसराइली हैं और इसराइल का, का नेचर ही चेंज कर देंगे oh अभी यहूदी स्टेट है आप मुसलमान स्टेट बना देंगे और क्या दे वेरी ओपन अबाउट इट ओके या तो आप देख लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड टिल 1990 क्या था गाज़ा में और वेस्ट बैंक में एंड सडनली ये कैसे ये हुआ क्योंकि देखिए जब भी आपका प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और इकोनॉमी बेहतर होते जाता है आपका पॉपुलेशन गिरते फर्टिलिटी रेट गिरते रहेगा ना पंजाब में और कश्मीर में क्या हुआ था इंसर्जेंसी के पीक में फर्टिलिटी रेट पाँच के करीब था हर माँ पाँच बच्चे को पैदा कर रही थी आजकल 1.5 1.6 हो गया है इसीलिए hmm. तो उधर टेररिज्म चल ही नहीं पा रहा है ना राइट right. <coughs> तो अब क्या हो रहा है ये टेररिज्म चलाने के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं पोलिटिकल लीडरशिप दैट इज बाई गाजा नीड्स टू हैव टेररिज्म आउटलेट नहीं right. तो फिर उनका जो आंतरिक जो सामाजिक तनाव है वो उभर के आंतरिक सिविल वॉर हो जाएगा वेरी डेंजरस थिंग यू सी देर प्लेइंग विथ फायर अब इज़राइल uh, में उनका पॉपुलेशन लगभग नाइन मिलियन है ठीक है एक करोड़ से भी कम uh, उसमें लगभग दो टू मिलियन मुस्लिम्स हैं गाज़ा में लगभग टू मिलियन मुस्लिम्स हैं टू पॉइंट फाइव मिलियन मुस्लिम्स, वेस्ट बैंक में हैं यानी कि यहूदी लगभग सात मिलियन हैं और मुसलमान लगभग साढ़े छः मिलियन हैं। देर ओनली इन हाफ अ मिलियन ऑफ स्ट्राइकिंग रेंज फिर वो बोल देंगे नहीं ये ऑक्यूपेशन नहीं है ये लेजमेट है हम इसराइल को मानते हैं हम इसराइल को कबूल करते हैं दे जस्ट वेटिंग फॉर द डेमोग्राफिक पॉइंट चेंज आपको लगता है कि पैलेस्टीनियन लीडरशिप इतना बुद्धू है वो तो है बुद्धू दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई टेल यू ऑल द प्रॉब्लम ऑफ दिस पॉपुलेशन थिंग लेटर कि वो हर पीस जो भी शांति प्रस्ताव आता है उसको क्यों हर बार ठुकराते हैं हर बार ठुकराते हैं क्यों क्योंकि उनको उनके दिमाग में पहले दिन से ही था कि हम पहले आबादी अपना बढ़ा के हम क्लेम करेंगे हम भी इजरायली हैं hmm. इसका नाम पैलेस्टाइन नहीं है इसका नाम इजराइल है और फिर हम पावर पे कब्जा करके हम डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेटिकली पावर पे कब्जा करके हम इसका नाम पलस्तान चेंज कर देंगे और इसको मुसलमान स्टेट बना देंगे दे वेरी ओपन अबाउट इट इट इज़ वन थिंग कि एक पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ जाए डेमोग्राफिक चेंज हो यहाँ तो पूरा अलग ही प्लान है कि बर्थ hmm. दे के धीरे hmm. धीरे उस पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे बट ए वेरी डिटर्मिंड हर माँ उधर सात आठ बच्चे पैदा करती है ठीक है एंड दे आर वेरी क्लियर वॉट दे वॉन्ट टू डू अबाउट पर इसराइल तो वो होने ही नहीं देखा तो इसीलिए बहुत गुस्सा है इसराइल के अंदर नेतन्याहू के साथ कि भाई इनको अभी से इंडिपेंडेंट करके खत्म कर दो अगर आप यूनिलैटरली पीस डिक्लेयर कर दोगे तो हमारा ही बेहतर हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि कल वो नहीं बोल पाएंगे कि भाई आ, 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 हम इसराइली हैं और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा नहीं कर पाएंगे सो so, यही सोच के आरियल शरोन ने 2006 में वो गाजा से विथड्रॉल किया था विथड्रॉल लैंड फॉर पीस डील नहीं था उसने बस बोला जाओ भाड़ में हमने विथड्रॉ कर दिया 2005 में इतना विथड्रॉ किया कि उनकी जो सब जो सेटलमेंट्स थे तोड़ के गए पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो फार्मिंग था इंडस्ट्री था वो बिल्कुल इंटैक्ट छोड़ा था कि तुम लोगों का कोई इकोनॉमी हो तुम बड़, अपना बड़प्पन कर सको आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सको बेहतर कर सको ये सब सब कुछ हमारे आकर डिस्ट्रॉय कर दिया टू में उन्होंने उन इलेक्शन जीता सब डिस्ट्रॉय करके उसको टेररिज्म का अड्डा बना दिया सब उनका जो सब उनका वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर था हमारे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया क्यों क्योंकि तुमको गुस्सा भी होना चाहिए नहीं तो फिर तुम इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ोगे ओके ठीक है और उन्होंने क्या बोला नहीं जब तक इसराइल खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे भाई गाजा में क्या ऑक्यूपेशन था गाजा में तो कोई ऑक्यूपेशन नहीं था गाज़ा अंडर हमास वट ऑक्यूपेशन यू हैव सो ये सब सब चीज घुमा फिराने की है कि किसी भी तरह ऑक्यूपेशन खत्म ना हो और अगर इसराइल ट्राई भी करे कि बिना सेटलमेंट वो यूनिलेटरल भी कर पाए तब भी तुम्हारा सरदर्द खत्म नहीं होगा hmm. तब भी वहां के तुम्हारे बच्चे औरतों को मारते रहेंगे बलात्कार करते रहेंगे सो इट इज गिविंग इसराइल जीरो ऑप्शन टिल द पॉपुलेशन जैसे ही अब मार्क माई वर्ड्स जैसे ही वो मुस्लिम पॉपुलेशन यहूदी पॉपुलेशन से बड़ा कंबाइंड गाजा प्लस वेस्ट बैंक प्लस इसराइल में बोलेंगे हम वी आर ऑल सिटीजन ऑफ इसराइल वो सब स्टार ऑफ डेविड हिलाना शुरू कर देंगे और फिर बोलेंगे चल भाई अब तो इलेक्शन करो दिस इज द ग्रैंड प्लान दिस इज द ग्रेन एंड चेंज थिंग इज ये आप अंग्रेज़ी में पढ़ोगे ही नहीं hmm. पर जिसने भी जाके पैलेस्टाइन में किसी से बात किया है उसको पता है ओपनली बोल देते हैं बस छिपाते भी नहीं हैं वी विल डिमांडाइड स्टेट वेर अ मेजोरिटी देर ओपनली सी एट वाई डोंट यू सीट इन द प्रेस पूछ लीजिए वाई डोंट यू सीट इन द प्रेस जो यहूदी पेपर भी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ वो भी ये नहीं छापेंगे तो पर जो वो ख़ानदान जो न्यूयॉर्क टाइम्स को चलाता है उसको तो यहूदी बोलना यहूदियों के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है उस जैसे एक घटिया मक्खी चूस इंसान उसको पता है उसके जो ग्रैंडफादर था उसको हॉलोकास्ट चल रहा था पता था पर उसको ये आ, इतना गोरा गोरों से भी गोरा बनना था कि उसने उसको सप्रेस करके रखा और लिखता था हिटलर अच्छा आदमी है इवन वेन यू न्यू दैट मैन बुस किलिंग जूस ओके okay. फैमिली की तरह एक नीच घटिया गिरा हुआ बंदा तुमको नहीं मिलेगा hmm. यहूदी जो यहूदियों को मारता है जो अपने के लिए अपने पूरे कॉम को बेच डालेगा भड़वा मानी सुल्सबर्गर मानी न्यूयॉर्क टाइम्स भड़वा टाइम्स कर लो उसको <laughs> बट देन आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस आज जब मैं कई सारे अपने साथ में जो लोग हैं उन्हें देखता हूँ उनके ओपिनियंस देखता हूँ दे आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ यू नो थिंग्स मतलब hmm. एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि मतलब ना यहाँ ना वहाँ दे अंडरस्टैंड थिंग्स बट जब ये इसराइल की बात होती है वो पता नहीं उनके क्या उनको हो जाता है दे जस्ट डोंट सीम टू अंडरस्टैंड एंड जब ईरान इसराइल पर अटैक करता है दे सेलिब्रेट दैट कि यू you नो know, वो जो कर्म का कर्मा का कॉन्सेप्ट है hmm. कि जैसा किया वैसा भरा दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईरान का अटैक ऑन इजराइल फॉर दैट वाईज दिस यार जैसे मैंने समझाया था यू नो एनी बडी हु नोज हिस्ट्री ट्रूली नोज हिस्ट्री उनका बहुत न्यूंसड ओपिनियन होता है कुछ भी इट्स ऑल शेड्स ऑफ ग्रे जो उल्लू के पट्टे होते हैं उनके लिए सब कुछ ब्लैक और व्हाइट होता है इसीलिए हिंदुइज्म में हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कुछ है होता ही नहीं है हमारा सब शेड्स ऑफ ग्रे है हमारा सब पूरा का पूरा नूआंस है ना Hmm. रावण में भी बहुत अच्छे गुण थे दुर्योधन और कर्ण में भी बहुत अच्छे गुण थे राम और कृष्ण में कई सारे खराब गुण भी थे वी नेवर डू ब्लैक एंड वाइट वी आर सिविलाइजेशनली वी डोंट डू ब्लैक एंड वाइट क्योंकि हम बहुत पहले समझ गए थे कि जिसका ज्ञान ज्यादा है वो कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं बांटेगा hmm. पर देखिए बुद्धू तो हर कॉम में पैदा होते हैं ना ऐसे कुछ नहीं, किसी कॉम का कोई मोनापली नहीं होता है बुद्धुओं पर बुद्धुजम इज़ यूनिवर्सल ओके आई डोंट नो कि हमने इस पॉडकास्ट को कहाँ से शुरू किया था हम कहाँ पहुँच गए बट एक जो बहुत एक आई वुड से व्यूज वाला क्वेश्चन होता है आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्योंकि आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वन पॉडकास्ट विद मेजर जनरल राज शुक्ला जी एंड उन्होंने मुझसे कहा था वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ पाउडर केक एंड जिस दिन फट गया कहीं से भी कुछ भी हो गया वी विल बी इन अचुएशन लाइक अ वर्ल्ड वार थ्री वाला जो, जो जोन है उसमें हाउ फार इज वर्ल्ड वॉर थ्री अकॉर्डिंग टू यू भाई तो मेरे को ये बताओ वेन हैवी नॉट बीटिंग ऑनडर केक इन द लास्ट फाइव थाउजेंड ईयर्स पिछले पाँच हज़ार साल में हर सेंचुरी में कम से कम दो तीन पाउडर केक दो रहे ही हैं ठीक है ना ये एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप पूछोगे एक एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है इसका ओके okay. हाँ जो यूरेनस होता है ना यूरेनस का जो आ, आ, रेवल्यूशन अराउंड द सन होता है दैट इज दिग वॉर शुड ब्रेक आउट सो एवरी एटी फोर टू एटी सेवन ईयर समथिंग बिग शुड हैिगर आउट दैट वेयर कमिंग वॉट क्लोज टू अराउंड एटी ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू सो ये एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेशन मैंने आपको बोला है बट ये क्या है कि आप पिछले सेंचुरी में भी देखिए 1800s में भी घमासान युद्ध हुए थे यार लोग भूल गए हैं क्राइमियन वॉर कितना घमासान था सब ने मिलके जो जर्मनी था वही रूस को किया था और उसके 50 साल पहले क्राइमियन वॉर के 50 साल पहले सब रूस और ब्रिटेन ने मिलके फ्रांस को किया था पेरिस को तो ऑक्यूपाई करके जला दिया ना अलाइड फोर्सेस ने जब नेपोलियन को निकाल दिया 1700s हंड्रेड्स में भी आप देखो क्या हुआ था रूस ने पूरा जो नाइनटीन फोर्टी फाइव में रूस ने किया बर्लिन को आ, जला डाला रूस ने सेवनटीन हंड्रेड में भी किया था okay. जारीना एलिजाबा ने आ, बर्लिन को घुमा के उसका वो जो आ, आ, राजा था फ्रेडरिक द ग्रेट उसको ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था पर वो लास्ट दिन को मर गई उसका बेटा थोड़ा ढीला था तो उसने उसको वो फ्रेडरिक द ग्रेट को बहुत एडमायर करता था तो उसने उसको बोला नहीं नहीं तो मैं सब कुछ तेरे को वापस देता हूँ और इसी वजह से उसकी बीबी जो थी कैथरीन उसने अपने हस्बैंड को मार के जरीना बन गए एंड शी बिकेम कैथरीन द ग्रेट तो ये सेवनटीन हंड्रेड्स में भी हुआ है एटीन हंड्रेड्स में भी हुआ है नाइन्टीन हंड्रेड्स में भी हुआ है अब ट्वेंटी हंड्रेड्स में भी होने का टाइम हो गया है ना सिक्सटीन हंड्रेड्स में तो क्या हुआ था देर एंटायर मॉडर्न सिस्टम ऑफ अ नेशन स्टेट कम्स बिकॉज ऑफ़ द वॉर्स क्योंकि उसके थर्टी ईयर्स वॉर के एंड में वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन mm. हुआ था जो हर मॉडर्न स्टेट और मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन ही उधर से आता है राइट फिफ्टीन हंड्रेड्स में भी कितने हुए थे चौदह हंड्रेड में कितने हुए थे यू नो देर इज अ बुक बारब्रा तुखमन का द कलेमिटस थर्टीन सेंचुरी द कलेमिटस फोर्टीन सेंचुरी सॉरी थर्टीन हंड्रेड्स में पूरा यूरोप का कोलेप्स हो गया था ओके okay. हाँ बारह हंड्रेड में सब मंगोल्स ने आके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का तबाही कर दिया था कालिफ को मार डाला कारपेट में रोल करके कुचाल कुचाल के मार डाला हाँ। जैसे हम वो आ, ये आ, वो क्या कहते हैं वो धोबी पीनट्स को छीलने के लिए आपको पता है वो तौलिया में रख के हाँ। उसको थोड़ा हाँ, ये हाँ, ये हाँ, करना हाँ, पड़ता है हाँ। उसका ये वैसे करके उसको घोड़ों से कुचाल कुचाल के मार डाला फिर उसके तो कोई ऐसा सेंचुरी नहीं है जहां एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स नहीं हुआ है और घमासान युद्ध नहीं शुरू हुआ है दिस इज नॉट रॉकेट साइंस राइट ओके इट्स ए हिस्टोरिकल पैटर्न अब पिछले बीस वेल तीस चालीस सत्तर साल से कुछ मेजर तो नहीं हुआ है अब हो जाएगा और क्या है बट वट आर द थिंग्स एंड शायद शायदिस्टिक क्वेश्चन होगा वट आर द थिंग्स जो राइट right होनी चाहिए एक वर्ल्ड वॉर लेवल के इवेंट होने के लिए आई डोंट नो देखिए वो जो वर्ल्ड वॉर था वो दो वर्ल्ड वॉर थे वो यूनिक थे कॉलोनियलिज्म के वजह से हुँ. अगर कॉलोनियलिज्म ना होता तो वर्ल्ड वॉर भी ना होता बिकॉज एवरी कंट्री दैट गॉट इन्वॉल्व बिकॉज अ कॉलोनी ऑफ साम्बड वर्ल्ड वाइड क्योंकि आजकल कॉलोनियलिज्म नहीं है उस किस्म का वॉर होना नामुमकिन के बराबर है ठीक है बहुत बड़ा इंटरस्टेट ये होगा जहां एक घमासान कोल्ड वॉर चलेगा जो चल ही रहा है जो चल ही रहा है किस्म से आई वुड से हा पर वो ज्यादा इंसेंटिफाई होगा और कैंप्स ज्यादा बटेंगे ओके होल रीजन द वर्ल्ड वॉर वॉज वर्ल्ड वॉर इज बिकॉज ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म उसके पहले भी कॉलोनियलिज्म था लेट्स बी क्लियर अबाउट इट ठीक है सो इट इज़ इन जस्ट द वाइट मैन हु कॉलोनाइजेज ब्लैक पीपल एज वी डिस्कस ब्लैक पीपल एंड ब्राउन पीपल यू नो अशोका ने जाके कलिंगा कलिंगा के लोगों को चुम्मा नहीं दिया था भुवनेश्वर में एक लाख ओड़ियाओं को मारा था mm. वो क्या डीकोलोनाइजेशन था क्या हाँ <laughs> uh, तो एंड देन यू गो आस्क भुवनेश्वर में आपको डीकोलोनाइजेशन का क्या आइडिया है वो से पड़ेगा आपको uh, तो यू uh, नो you know, ये मैं नहीं मानता हूं उस किस्म का सो यू नो आई फाइंड आई नेवर यूज दिस टर्म वर्ल्ड वॉर थ्री इफ यू नोटिस यूज द टर्म एक्सेप्ट एन सामी आसमी क्वेश्चन उस वो वॉर ही वैसा नहीं होगा जब ऑल ऑन ऑल ओके क्योंकि इट बी मोर लाइक ऑल ऑन ऑल एक जोग्राफी में हो सकता है लाइक द नपोलियॉनिक वॉर्स विच इज ऑल्सो अर् अर्ली कॉलोनाइजेशन पीरियड

हर कॉन्टेक्स में आपको मैं थ्रू सी का ट्रैप दिखा सकता हूँ ओके सो इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट यूनिक टू वॉर ओके आई विल आई आस्क यू वन लास्ट थिंग फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि हमने इतनी ईरान की बात की थी तो आई वॉन्ट टू नो कि चाइना ईरान रशिया अप टू सम समस्टेंड नॉर्थ कोरिया एज वेल इनके एक भी मतलब यू नो कोई भी चीज़ अलाइन नहीं होती एक्सेप्ट फॉर देयर हेटरेड फॉर यूएस आई वुड से फॉर अमेरिका वॉट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग बिटवीन दीज नेशन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसका आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इसका प्रभाव इंडिया पर किस तरह से होगा क्योंकि इंडिया तो सबके साथ ही रिलेशन शेयर कर रहे हैं हाँ। तो यही देखिए यही फिर से वही हिस्टोरिकल पैटर्न है जो हमने खुमेनी के साथ देखा था एटीज़ में आ, और उसके पहले आ, आ, जारा अलेक्जेंडर के साथ देखा था रूस में और उसके पहले हमने नपोलियन के साथ देखा था देखो हर जनरेशन में क्या होता है एक ऐसा बंदा आता है जो सब सबको सताता है hmm. ठीक है एटीन uh, हंड्रेड्स में अर्ली एटीन हंड्रेड्स में वो बंदा था नपोलियन सबको सताया फ्रांस के uh, राज परिवार को भी बहुत उसने सताया था इंग्लैंड hmm. uh, को सताया जर्मन स्टेट्स को सताया उस टाइम जर्मनी नहीं था जर्मन स्टेट्स थे बहुत hmm. सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे ऑस्ट्रिया को सताया जो कैथोलिक जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे uh, स्पेन को सताया क्योंकि उस टाइम इटली एक किस्म से स्पेन का आई से कॉलोनी बट काइंड ऑफ था और इटली को सताया रूस को सताया ठीक है और सब इकट्ठा होकर पेरिस को उन्होंने कब्जा करके बर्बाद कर दिया और इसको एग्जाइल में भेज दिया क्योंकि पहले तो उसको गला काटते थे पर उस टाइम पे राजा को राज हत्या नहीं होती थी राइट right. इवन अगर आप असली राजा नहीं हो फेक राजा हो जो एक बहुत मामूली कोर्सिकन ख़ानदान में पैदा हुआ है हु फिर था ज़ार अलेक्जेंडर जो असली राजा था उसका डेनेस्टी ऑलरेडी तीन साल पुराना था उस टाइम पर और उसने भी ये ट्राई किया कि मैं क्राइमिया में जाके आ, क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लूँगा और सबको उसने एलिनेट कर दिया फ्रांस को भी एलिनेट कर दिया ब्रिटेन को भी यानी कि जो दो देश 40 साल पहले ब्रिटेन ने ही तो फ्रांस का ये खात्मा किया था ना इमेजिन इन फोर्टी ईयर्स रूस ने इतना एलिनेट कर दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलके <laughs> आके रूस पे हमला कर रहे ठीक है यानी कि रूस का इतना बड़ा थ्रेट था कि उनका जो ऑलमोस्ट 800 साल पुराना दुश्मनी था खत्म हो गया रूस की वजह से राइट right. hmm? uh, वो हो गया ठीक है एंड एवरीबडी एलाइड अगेंस्ट इंक्लूडिंग ऑस्ट्रियंस जो रूस के एलाई थे उन्होंने भी एलाई कर दिया uh, 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 फ्रांस uh, और ब्रिटेन uh, के साथ रूस के खिलाफ फिर आए हिटलर फिर आए खोमेनी ठीक है खुमेनी का क्योंकि ये पोस्ट कलोनियल था अब देख लीजिए वही है खुमेनी ने भी सबको एक इसराइल को भी किया जैसे भी mm. डिस्कस्ड uh, रूस को भी किया अमेरिका को तो किया ही टुकते uh, उनके uh, राजदूतों को हॉस्टेज mm. ले लिया पर बिकॉज इट वॉज पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड एट इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन सब ने मिल लिया ईरान का hmm. लिया अच्छी तरह से लिया बट वर्ल्ड वॉर लेवल का नहीं बना hmm. और उस टाइम भी आप अगर आप आग देखोगे रूस एंड अमेरिका वेर फाइटिंग देयर ओन वॉर इन अफगानिस्तान hmm. पर बोथ ऑफ देम दगरीड की ईरान का और खुमेनी का आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट वर्ड बट आपको पता है जी मैया डैश 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 करना hmm. है। <laughs> तो किया उसका तो दिस इज अ रिपीट पैटर्न दैट वी आर सीइंग नाउ दे वांट यू टू बिलीव कि रूस वो बंदा है रूस ही खुमेनी है पुतिन खुमेनी है पुतिन हिटलर है पुतिन uh, जार अलेक्जेंडर है पुतिन नेपोलियन है mm. मैं बोलूंगा क्वाइट द कॉन्ट्री अगर आप देख रहे हैं कि रूस ईरान चीन नॉर्थ कोरिया एक साथ आ रहे हैं इट इज अ पॉसिबिलिटी हो रहा है हो तो रहा है आंखों के सामने हो रहा है तो शायद अमेरिका हिटलर है एंड नॉट नेसेसरली पुटन इसमें कौन एक्सिस है कौन एलाय है आप अपना ही देखिए ये जो एक्सिस एलाय होता है ना इविल एंड गुड ये वॉर के एंड में ही डिटरमिन होता है <laughs> जो जीतता है वो बहुत अच्छा बन जाता है और जो हारता है वो ये बनता है right अगर history. देख लीजिए अगर रामायण में अगर मान लीजिए रा, रावण जी जीत गए वो रावण क्या रावणायण हुआ होगा एंड द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट राइट इट्स लाइक दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय बाई एक्सेप्ट मंगोल हिस्ट्री इज रिटन बाय द लूजर्स बट एवरी अदर हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स बट इसका रिपोर्शन इंडिया पे क्या होगा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा एक ट्रेजेक्ट्री है आई एम फाइनली टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट देखिए नेहरू का आइडिया था ठीक है पर नेहरू का प्रॉब्लम क्या था वो कोई भी आइडिया ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते hmm. थे ठीक है uh, उनके दिमाग में वो uh, अभी कौन सा सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है मेसी ना मेसी, हाँ, मेसी या रोनाल्डो डिबेटेबल या, क्रिकेट में कौन है ये विराट क्रिकुट का चिरकुट विराट कोहली हाँ, क्रिकेट का चिरकुट विराट कोहली तो विराट कोहली वो अपने आप को विराट कोहली समझते थे नेहरू चाचा पर थे वो सॉर्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी रिजर्व वाले प्लेयर बाबर आजम वो तो फिर भी कैप्टन है ना अच्छा, ये तो, तो, ये तो, ये तो रणजी ट्रॉफी एंट्री लेवल प्लेयर है <laughs> पर समझते थे अपने आप को विराट कोहली मोदी इज हैज अब्सोल्यूट गेज ऑफ एग्जैक्टली हुई तो बहुत अच्छी तरह से नॉन अलाइनमेंट को मैनेज किया है hmm. हर बंदे के साथ हम दोस्ती रहेंगे सत्यम वदा मिष्ठम वदा किसी hmm. को भी आरोप नहीं लगाएंगे देखिए पाकिस्तान पे भी वो आरोप लगाना नहीं करते हैं राइट ठीक है जैसे पाकिस्तान हमारे पे गंदी गंदी चीजें बोलते रहता है हर जगह पे हम तो नहीं करते हैं ना। पर बोलते तो है ना टेरर स्टेट, टेरर स्टेट। कभी कबार बट नॉट एज हैं प्यार का नफरत नहीं होता है नफरत नेगेटिव प्यार होता है जब आप प्यार में भी आप अपने प्रियतम के बारे में सोच रहे हो नफरत में भी आप उसी बंदे के बारे में सोच रहे हो बस खराब खराब चीजें सोच रहे हो काफी शायरों वाली बात कर दी जो प्यार का जो ऑपोजिट होता है वो इग्नोरिंग समवन होता है hmm. ठीक है और नफरत का भी ऑपोजिट इग्नोरिंग है। एंड दी वी आर डूइंग उनकी साइकोलॉजी लाइक like, यार हो क्या रहा है <laughs> हम प्यार से डील कर सकते थे वो क्या वो मोमबत्ती वाले जो जाके hmm. uh, सरहद पे मोमबत्ती लेके खड़े होते थे कैंडल छुती एंड ये नफरत करने वाले भी होते थे पर hmm. वो भी अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है ना। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट ठीक है इंडिया विल स्टे क्लियर आपकी झगड़ा आपके झगड़ा है आप भी हमारे दोस्त हैं आप भी हमारे दोस्त हैं थैंक यू वेरी मच ओके सो गॉट द राइट मैन इन माई ओपिनियन ये सही बंदा है सही समय पर हमारे लिए और एक किस्म से ये भी देख लीजिए मैं मानता हूँ वैसे मैं ईश्वर में मानता तो हूँ नहीं नास्तिक हूँ बट uh, अगर ईश्वर हैं उन्हें शायद इसी वजह से हमको अब तक डेलिब्रेटली गरीब रखा है क्योंकि अगर हम गरीब नहीं होते दोनों साइड्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हमने कोई एक साइड चुन लिया होता और फिर हमारी भी मैया डैश 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 हुई होती इट्स अ गुड नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन थैंक यू चार सो पारेश्वरी जी uh, आपने इतना हमें नॉलेज दिया मुझे पता नहीं कि इस पॉडकास्ट को किस तरह से एडिट किया जाएगा क्योंकि वी टॉक अबाउट हिस्ट्री जियो ईरान के बारे में भी बहुत बात की बट uh, काफ़ी कुछ नई चीज़ जानने मिली अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के बारे में और स्पेसिफ़िकली पॉलिटिक्स के बारे में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में सो so, इस पॉडकास्ट को यहाँ एंड करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं थैंक यू सो मच